गुड आफ्टरनून विदुषी। गुड आफ्टरनून कैलाक्षी। कैसे गुड आफ्टरनून भूमि। शाम ओके, लेट अस स्टार्ट। शुरू करते हैं। कल हमने दो स्ट्रैटेजीज देखी थी, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। एक हमने देखा था कस्टमर बेस्ड प्राइसिंग और दूसरा हमने देखा था कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। उसके बाद नाउ वी आर स्टार्टिंग विद डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। अब पेज नंबर है ये 259 है मेरे हिसाब से, और नीचे वाला पेज नंबर है 231। पेज है 231। चलो आज हम शुरू करने वाले हैं डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजी। इसमें से काफी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज आपने पहले देखी भी हुई हैं, जैसे कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, स्किमिंग। सबको पता है स्किमिंग क्या है? हम स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा हाई प्राइस सेट करते हैं, राइट, ताकि हमारा जो पहले कॉस्ट लगी है वो निकल जाए, वो पूरी हो जाए कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल आईफोन, आईफोन इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। सबसे पहले वो स्किमिंग प्राइस के साथ, बहुत हाई प्राइस के साथ आते हैं, और ये पर्टिकुलर उन्हें पता है, क्योंकि ये कुछ सेक्टर वाले खरीदने वाले इस प्रोडक्ट को, सभी तो खरीदेंगे नहीं, तो वो ऐसे प्राइस के साथ आते हैं ताकि लोग उसको लें। और एलीट क्लास वाले लोगों के लिए होता है, जिसको हम एक नाम देते हैं निश। एक निश, निश क्या होता है? निशेस एक पर्टिकुलर सेगमेंट, एक पर्टिकुलर मार्केट वालों के लिए जब कोई प्रोडक्ट लाया गया उसको हम बोलते हैं एक निश के लिए लाया गया है। देन नेक्स्ट इज पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन इज जस्ट ऑपोजिट टू स्किमिंग पॉलिसी। पेनिट्रेशन क्या है? पहले प्राइस क्या रखना? कम रखना। फिर जैसे हम स्टेब्लिश होना शुरू हो जाए, प्राइसेस को क्या करना? बढ़ाते जाना। यूजली जो कंपनीज है वो ये करती है।
स्टार्टिंग में वो डिस्काउंट्स के साथ आती है, कम प्राइसेस के साथ आती है, उसके बाद धीरे धीरे जैसे वो एस्टेब्लिश होती जाती है अपने प्राइसेस क्या करती रहती है, बढ़ाती जाती है। इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल आप जियो को ले लो। जियो ने क्या किया था शुरू शुरू में, शुरू शुरू में फ्री में लोगों को सिम्स दिए थे, उसके बाद धीरे धीरे उसने प्राइस बढ़ाने शुरू, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट प्राइसिंग। अब कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या है, एक के साथ एक फ्री, हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री देंगे इसके साथ ये फ्री है। आजकल बहुत सारी कंपनीज फेस वॉशेज में, सोप्स में, तो ज्यादातर अब ग्रोसरी में, तो ये सब चीजें आपको क्या आ रही है, मैगी के साथ मैगी की सॉस फ्री, तो वो सब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री प्राइसिंग है। उसके बाद प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग इज अगर आप ये प्रोडक्ट लोगे इसके साथ ये प्रोडक्ट आपको सस्ते में मिल जाएगा, डिस्काउंट्स में मिल जाएगा, यानी कि सेम प्रोडक्ट लाइन में। फॉर एग्जांपल हम बाजार से इसी की एग्जांपल ले लो, सीपीयू खरीदने गए, सीपीयू खरीदने गए, उन्होंने बोला कि सीपीयू के साथ अगर आप एलईडी स्क्रीन भी लोगे तो वैसे तो एलईडी स्क्रीन अकेली 10,000 की है, हम आपको एलईडी स्क्रीन कितने में दे देंगे, 7,000 में दे देंगे। तो वो अब कॉम्प्लीमेंट्री में क्या था, हम फ्री में दे रहे थे, कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग में क्या है कि दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर हम दूसरी चीज क्या दे देंगे, सस्ते में दे देंगे। इसमें क्या होता है, इस एक चीज की वैल्यू बहुत ज्यादा लगा दी जाती है पहले स्टॉक उसके, क्लियर। हाँ स्टॉक क्लियर करने, और पहले इसके अंदर उसकी कॉस्ट जुड़ी हुई है। ये तो जस्ट एक कस्टमर को बेवकूफ बनाने का तरीका होता है, राइट। उसके बाद वॉल्यूम डिस्काउंटिंग, ये सबको पता है व्हाट इज वॉल्यूम डिस्काउंटिंग, ज्यादा क्वांटिटी में चीज खरीदोगे तो हम आपको डिस्काउंट्स दे देंगे, वॉल्यूम में खरीदने का डिस्काउंट्स देंगे। उसके बाद प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या हुआ, अब जैसे हम क्लब्स में जाते हैं, एल्डर लोगों के लिए अलग प्राइस है, मिडल एज वालों के लिए अलग प्राइस है, छोटे बच्चों के लिए अलग प्राइस है, तो डिस्क्रिमिनेट करना डिपेंडिंग अपॉन द, या अब हम कई बार देखते हैं सेम प्रोडक्ट हमारे इंडिया में सस्ता है बाहर महंगा, तो दैट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। डिपेंडिंग अपॉन किस लोकेशन पे कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा वैल्यू में बिक सकता है। अब सेम मैकडॉनल्ड्स का बर्गर आप इंडिया में खरीदो और बाहर खरीदो, उसका प्राइस का जमीन आसमान का फर्क होगा। इंडिया से बाहर क्यों जाना है, अभी मैं पीछे गोवा गया था, तो गोवा में और यहाँ पंजाब के डोमिनोज के, उसके डोमिनोज और इवन अपना मैकडॉनल्ड्स के प्राइसेस में डिफरेंसेस है, स्कीम्स में डिफरेंसेस है, तो इट इज नथिंग बट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, राइट। नहीं, देन लास्ट एंड नॉट लीस्ट इज रेलिवेंट कॉस्ट प्राइसिंग, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी जो रेलिवेंट कॉस्ट प्राइसिंग है, मैंने कल भी आपको बताया था व्हाट इज रेलिवेंट कॉस्ट, अगर आप वो नया प्रोडक्ट ला रहे हो, कोई नई नया प्रोडक्ट ला रहे हो, या कोई नई स्कीम ला रहे हो, या कोई नया आपको प्रोजेक्ट मिला है किसी से, कोई नया प्रोजेक्ट मिला है, तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपकी कितनी कॉस्ट लग रही है, सिर्फ वही क्या है, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के कारण आपको कितने इनफ्लोज आ रहे हैं और आउटफ्लोज आ रहे हैं, वो आपकी क्या है, रेलिवेंट कॉस्ट है। मतलब मिनिमम मिनिमम इतना तो आपको चार्ज करना ही चाहिए, दैट इज योर रेलिवेंट कॉस्टिंग, राइट। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, राइट। अदर स्ट्रेटजीज विल नाउ बी रिव्यूड इन टर्न। तो सबसे पहले हम चल रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे एक एक पॉलिसी को, हर पॉलिसी के क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है मार्केट स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी। तो मार्केट स्किमिंग इज चार्जिंग हाई प्राइसेस व्हेन द प्रोडक्ट इज फर्स्ट लॉन्च्ड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। अब ऑब्वियसली जब आप शुरू शुरू में बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस लेकर आओगे तो लोगों को क्या होगा, लोग देखेंगे कि हाँ प्रोडक्ट अच्छा है, आईफोन जैसे आता है, फिर धीरे धीरे लोग उसको लेना बंद कर देते हैं। शॉर्ट टर्म में तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, फिर इनिशियली हाई प्राइसेस से क्या होगा, आपका जो न्यू प्रोडक्ट है, अब इनिशियली हाई प्राइसेस मे बी चार्ज टू टेक एडवांटेज ऑफ नॉवल्टी अपील। व्हाट डू यू मीन बाय नॉवेल्टी अपील, न्यू अपील, कोई नया नया दिखने में, कोई बिल्कुल एक क्यूरियोसिटी हो जाती है ना, जब हमारे हमारे सिटी में हमारी जगह पे कोई नई चीज आती है, सब हम भागते हुए जाते हैं वहां पे देखने की ये है क्या, तो सिमिलरली हाँ यस क्यूरियोसिटी में, राइट। तो क्यूरियोसिटी में जाते हैं, हम देखते हैं कि वहां पे हमें ये जो प्रोडक्ट है ये क्या नया प्रोडक्ट है, और हम उसको खरीद के भी देखना चाहते हैं, राइट। व्हेन द डिमांड इज इनिशियली इन इलास्टिक, तो शुरू शुरू में प्राइस हम जितना मर्जी रख दें, जिसने खरीदना है खरीदने हैं, राइट। जिसको आईफोन का शौक पड़ जाए वो हमेशा आईफोन ही खरीदेगा, राइट। वंस द मार्केट बिकम्स सेचुरेटेड, एक बार मार्केट वो सेचुरेशन पॉइंट पे आ जाए कि हाँ अब लोग नहीं खरीद रहे, फिर क्या किया जाता है, उसके प्राइस को थोड़ा
कम कर दिया जाता है, ताकि जो लोग पहले नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे, अब आज की डेट में हर किसी ने आईफोन पकड़ा हुआ है, राइट, बेसिक मॉडल्स। वो क्यों? क्योंकि उनके प्राइस क्या हो गए हैं, रिड्यूस हो गए। कंडीशन सूटेबल फॉर मार्केट स्कीमिंग स्ट्रेटेजी, तो कब मार्केट स्कीमिंग स्ट्रेटेजी लगाई जाती है? वेयर द प्रोडक्ट इज न्यू एंड डिफरेंट एंड हैज लिटिल डायरेक्ट कॉम्पिटिशन। तो कोई उसका कोई आईफोन का कोई कॉम्पिटिशन नहीं आज की डेट में भी, राइट। दिस इज मोस्ट कॉमन रीजन फॉर यूजिंग मार्केट स्कीमिंग स्ट्रेटेजी। तो मार्केट स्कीमिंग तभी पॉसिबल है अगर आपका प्रोडक्ट नया है और डिफरेंट है एंड उसका कोई ज्यादा कोई कॉम्पिटिशन भी नहीं है। दिस इज मोस्ट कॉमन रीजन फॉर यूजिंग मार्केट स्कीमिंग स्ट्रेटेजी। वे प्रोडक्ट्स हैव अ शॉर्ट लाइफ साइकिल एंड देयर इज नीड टू रिकवर द डेवलपमेंट कॉस्ट इक्वली क्विकली एंड मेक अ प्रॉफिट। अब आईफोन 14 आया, थोड़ी देर बाद ही 15 आ गया। इट मीन्स 14 की लाइफ, शॉर्ट लाइफ साइकिल क्या है, बहुत छोटा है। तो वहां पे भी हम क्या यूज कर सकते हैं, मार्केट स्कीमिंग पॉलिसी यूज कर सकते हैं। व्हेन द स्ट्रेंथ ऑफ डिमांड एंड सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड टू द प्राइस आर अननोन। अब हमें पता ही नहीं कि हम प्राइस को बढ़ा के उसकी डिमांड चेंज होगी या नहीं होगी, तो इट इज बेटर ना हम बढ़ा के देख लेते हैं, नहीं बिकेगा तो कम कर देंगे, राइट। तो पहले क्या करेंगे, हम उसको प्राइस को बढ़ा देंगे। सो हमें पता ही नहीं है कि प्राइस का डिमांड पे क्या इम्पैक्ट आएगा, तो हम पहले ही उसको कम प्राइस पे रख के अपने प्रॉफिट्स गवाए, इससे अच्छा हम पहले उसको हाई प्राइस सेट करके देख लेते हैं कि क्या पता लोग ले ही ले, नहीं लेंगे तो उसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे। फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज फार बेटर टू बिगिन विद अ हाई प्राइस व्हिच कैन देन बी लोअर्ड इफ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट अपीयर्स टू बी मोर प्राइस सेंसिटिव देन एट फर्स्ट ऑल। अगर हमें लगेगा कि प्राइस के चेंज होने से बहुत ज्यादा डिमांड में चेंज आ रहा है, तो हम अपना प्राइस को कम कर देंगे। अ फर्म विद लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स मे यूज मार्केट स्कीमिंग इन ऑर्डर टू जनरेट हाई कैश फ्लोज अर्ली ऑन। अगर किसी फर्म के पास लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स है, तो वो क्या कर सकती है, मार्केट स्कीमिंग यूज कर सकती है। बट एक चीज याद रखना, मार्केट स्कीमिंग तभी यूज हो पाएगी अगर हमारा प्रोडक्ट क्या है, नया है और डिफरेंट है और कॉम्पिटिशन क्या है, बहुत कम है, राइट। सो विद हाई प्राइसिस बींग चार्ज, पोटेंशियल कस्टमर्स कॉम्पिटिटर्स विल बी टेम्पटेड टू एंटर द मार्केट। फॉर स्कीमिंग टू बी सस्टेन्ड, वन और मोर सिग्निफिकेंट बैरियर्स टू एंट्री मस्ट बी प्रेजेंट टू डेटर दो पोटेंशियल कस्टमर्स। तो बाकी लोग क्या देखेंगे भाई, कॉम्पिटिटर्स क्या देखेंगे, यार ये तो इतना प्राइस अच्छा चार्ज कर रहा है, तो हम भी इसी प्रोडक्ट लाइन में एंटर कर जाते हैं। तो उससे बचने के लिए क्या होगा, क्या करना होगा, हमें एंट्री बैरियर्स होने चाहिए यहाँ पे। एंट्री बैरियर्स कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल उसकी पेटेंट प्रोटेक्शन करा के, स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी से। अब जो मर्जी कह लो, गूगल गूगल पिक्सल अपने फोन्स लेकर आए इतने अच्छे अच्छे या इवन ये जो कौन सी कंपनी, वन प्लस के कितने अच्छे फोन्स हैं, बट आज की डेट में भी जिन्होंने आईफोन लेना है, उन्होंने आईफोन ही लेना है। तो उन्होंने, उनको जितने मर्जी चाहे उससे अच्छे फीचर्स वाले फोन भी आ जाए, तो दे विल बाय आईफोन ओनली। सो टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 7, व्हाट प्रोडक्ट्स में बी प्राइस यूजिंग अ मार्केट स्कीमिंग स्ट्रेटेजी। तो वही क्या लिखोगे इसके अंदर, कि जहां पे प्रोडक्ट क्या है, नया है और डिफरेंट है, एंड जहां पे देर इज वेरी लिटिल डायरेक्ट कॉम्पिटिशन, जहां पे कॉम्पिटिशन क्या है, बहुत कम है। और ये सारी चीजें आप लिखोगे कि जहां पे उसका प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल क्या है, कम है, और जहां पे हमें हमें प्राइस का सेंसिटिविटी नहीं पता डिमांड के साथ, वहां पे भी हम कौन सी प्राइसिंग पॉलिसी यूज कर सकते हैं, मार्केट स्कीमिंग पॉलिसी यूज कर सकते हैं। जहां पे फर्म के पास लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स है, वहां पे भी मार्केट स्कीमिंग पॉलिसी यूज करी जा सकती है। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट, एग्जैक्टली ऑपोजिट टू, ये सबको क्लियर है? यस भूमि, खिलाक्षी, विदुषी, क्लियर है? यस नो, राइट, ओके। कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। दिस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू स्कीमिंग पॉलिसी। यहाँ पे पहले प्राइसेस को क्या रखा जाएगा, बहुत लो रखा जाएगा, फिर धीरे धीरे करके उसको बढ़ाया जाएगा। पेनिट्रेशन प्राइसिंग इज चार्जिंग ऑफ लो प्राइसेस व्हेन अ न्यू प्रोडक्ट इज इनिशियली लॉन्च इन ऑर्डर टू गेन रैपिड एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट। ताकि हम पहले पहले लोग टेम्प्ट हो, यार वो क्या कहते हैं, इस कंपनी का इतना सस्ता, सेम फीचर्स है। हम देखते हैं ना, सबसे पहले वीवो ओप्पो ने क्या किया था, यही तो किया था, वो बहुत लो प्राइसेस पर लेके आए थे, यार इसके तो बिल्कुल सेम फीचर है सैमसंग सैमसंग के, हम इतने महंगे फोन लेते हैं। और उस वीवो ओप्पो ने आगे सैमसंग का बिल्कुल ही पट्टा उठा दिया, राइट। तो वीवो ओप्पो, अब आज की डेट में लोग सैमसंग बहुत कम लेते हैं, राइट। इवन आज की डेट में भी जो वीवो ओप्पो ने सैमसंग को लॉस दिया है, वो आज तक भी वो कोप अप नहीं कर पाए, रिकवर नहीं कर पाए हैं। सो वंस मार्केट शेयर इज अचीव, प्राइसेज आर इंक्रीज। एक बार मार्केट शेयर अचीव हो गया, तो उसके बाद प्राइसेस को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू मार्केट स्कीमिंग व्हेन लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। तो अगर हम स्कीमिंग नहीं पॉलिसी यूज करना चाहते, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, पेनिट्रेशन यूज कर सकते हैं। सो सर्कमस्टांसेस व्हिच फेवर अ पेनिट्रेशन पॉलिसी,
तो कौन सी सर्कमस्टांसेस है जो मार्केट पेनिट्रेशन को फेवर करते हैं इफ द फर्म विशेज टू इंक्रीज द मार्केट शेयर। अगर फर्म चाहती है कि उसका मार्केट में क्या बढ़ जाए, शेयर बढ़ जाए, क्योंकि अगर उसके प्राइसेस कम होंगे तो डिमांड क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, तो उसके उससे उसका मार्केट शेयर जो है वो बढ़ जाएगा। अब फर्म विशेज टू डिस्करेज न्यू एंट्रेंट्स फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट। ऑब्वियसली कोई लॉसेस में थोड़ी एंटर करेगा किसी को, अगर अगर उनको उनको पड़ते में पड़ रही है तभी तो वो उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। हो सकता है जो एक नई फर्म आए तो वो नहीं एंटर करेगी, क्यों? क्योंकि उसको लगेगा इसमें तो ज्यादा प्रॉफिट ही नहीं है, राइट? इफ देर आर सिग्निफिकेंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल टू बी अचीव फ्रॉम हाई वॉल्यूम आउटपुट एंड सो अ क्विक पेनिट्रेशन इन टू द मार्केट इज डिजायरेबल। अगर वो कहते हैं अगर हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल चाहिए तो भी हम क्या फॉलो कर सकते हैं, पेनिट्रेशन पॉलिसी फॉलो कर सकते हैं। इफ डिमांड इज हाईली इलास्टिक एंड सो वुड रिस्पॉन्ड वेल टू लो प्राइसेस। अगर हमें पता है कि हमारी जो डिमांड है वो क्या है, हाईली इलास्टिक है, मतलब अगर हम थोड़ा सा भी प्राइस चेंज करेंगे डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो वहां पे भी हम कौन सी पॉलिसी यूज कर सकते हैं, पेनिट्रेशन पॉलिसी यूज कर सकते हैं। पेनिट्रेशन पॉलिसी के एग्जांपल, मेनी न्यू फूड्स इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स टू द मार्केट फिर विद पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी। सम बिजनेसेस इवन गिव पैकेजेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स अवे, फॉर एग्जांपल स्पॉन्सरिंग इवेंट्स। आपने बहुत जगह देखा होगा, आप कभी वो मेले वगैरह में जाते हो तो वहां पे आपको नई नई ब्रांड्स के फूड प्रोडक्ट्स वो फ्री में टेस्ट करा रहे होते हैं, राइट? देखा है आपने कभी? हाँ, ऐसा होता है। आप कभी मेले में जाते हो तो कोई कोई नया ब्रांड आया, कोई इवन एक कंपनी आई थी पीछे, ओरिका, ओरिका कंपनी अपने मसाले लेकर आई थी मसाले, और वो फ्री में लोगों को बांट रहे थे, सर ये ट्राई करो, सर ये ट्राई करो। तो वो उनका क्या है, एक तरह पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है कि पहले शुरू शुरू में वो एज अ स्पॉन्सरिंग इवेंट उसको फ्री में भी बांट रहे ताकि वो लोग, हाँ, परफ्यूम्स भी होते हैं, तो इट कैन बी एनी प्रोडक्ट। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल ऑफ फूड इंडस्ट्री। तो बहुत सारी कंपनीज ऐसे करती हैं एंड प्रोवाइडिंग सैंपल पैक्स टू द अटेंडीज। वो सैंपल्स देते हैं कि सर ये ट्राई करके देते। इन वन नोटेबल सच एग्जांपल, क्रिस्पोस कंपनी इंट्रोड्यूस क्रंचेस चिप्स टू द मार्केट इन 2019। द ब्रांड वॉज डायरेक्ट कॉम्पिटिटर टू द वेल एस्टेब्लिश स्प्रोंगल्स लाइन ऑफ चिप्स। टू ड्रॉ मोर बिजनेस द कंपनी ऑफर्ड चिप्स क्रिस्प एट स्टीप डिस्काउंट ऑफ $0.69 पर बैग। दिस अर्न द ब्रांड प्रोमिनेंट डिस्प्ले लोकेशन एट मेनी रिटेलर्स। वेन द क्रिस्प हैज फुली पेनिट्रेटेड द मार्केट, द प्राइस क्विकली रोज टू वेल अबव $1। तो एक बारी पेनिट्रेशन प्राइसिंग में क्या होता है, एक बारी वो बहुत लो प्राइस पर प्रोडक्ट को लेकर आते हैं, जैसे ही उसकी मार्केट बन गई उसके बाद उसका प्राइस क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट प्राइसिंग, अ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट इज वन दैट इज नॉर्मली यूज विद अनदर प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल रेजर खरीदो, रेजर के साथ उसके ब्लेड्स फ्री, राइट? तो इफ सेल्स ऑफ रेजर्स इंक्रीज मोर रेजर ब्लेड्स विल आल्सो बी बॉट। अदर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स आर गेम कंसोल्स एंड एसोसिएटेड गेम्स, प्रिंटर्स एंड प्रिंटर कार्ट्रिजेस। अगर आप प्रिंटर खरीदोगे वो तो साथ में क्या बोलते हैं, सर वैसे तो ये प्रिंटर ही अकेला ₹10,000 का है, हम आपको साथ में कार्ट्रिज भी फ्री दे रहे हैं, एक या दो कार्ट्रिजेस। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो उन्होंने ऑलरेडी इस 10,000 के अंदर इस कार्ट्रिजेस की भी कॉस्ट जोड़ रखी होती है, राइट? तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ कैसे आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज करके अपना प्राइस सेट कर सकते हो। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स प्रोवाइड सप्लायर्स विद एडिशनल पावर ओवर द कंज्यूमर। तो इससे क्या होगा, हाँ, इससे हर बारी कस्टमर कहेगा यार वहां पे तो प्रिंटर तो मिलता ही मिलता है, साथ में कार्ट्रिजेस भी फ्री मिलती हैं, तो क्यों ना हम वहीं से इसको खरीदें। तो कल को वो उन्हें सिर्फ अकेली कार्ट्रिजेस भी चाहिए होंगे ना, वो हमारे पास ही आएंगे कि ये तो फ्री में भी कार्ट्रिजेस दे देते हैं, तो हमें बहुत कम प्राइस पे शायद यहाँ से कार्ट्रिजेस मिल सकती है। सो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट प्राइसिंग, एग्जांपल गिवन है। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट प्राइसिंग कैन टेक टू फॉर्म्स। वन, द मेजर प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल प्रिंटर और कैमरे इज प्राइस एट अ रिलेटिवली लो फिगर। तो क्या करेंगे वो, जैसे एक प्रिंटर है उसको कम प्राइस पे शो कर दिया टू एनकरेज द परचेज एंड लॉक द कंज्यूमर इन टू सब्सिक्वेंट परचेजेस ऑफ रिलेटिवली हायर प्राइस कंज्यूमेबल्स, फॉर एग्जांपल प्रिंटर कार्ट्रिजेस और मेमोरी कार्ड्स। देखो फर्स्ट तरीका क्या है कॉम्प्लीमेंट्री प्राइसिंग का, वो आपको क्या करेंगे, लेट्स से 10,000 का प्रिंटर है वो आपको पहले 8,000 में दे देंगे, राइट? उससे क्या होगा, आपको लगेगा कि भाई ये तो चीजें सस्ते में देते हैं, राइट?
तो कल को आपको आपको जो भी कार्ट्रिजेस चाहिए होंगे, मेमोरी कार्ड चाहिए होंगे, आप क्या करोगे, उनके उनसे ही आके खरीदोगे, क्योंकि आपको पता है कि वो आपको कम प्राइसेस में गुड्स देते हैं। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म। दूसरा फॉर्म के द मेजर प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल मेंबरशिप ऑफ फैशनेबल स्पोर्ट्स और गोल्फ क्लब इज प्राइस एट रिलेटिवली हाई फिगर टू क्रिएट बैरियर टू एंट्री एंड एग्जिट एंड द कंज्यूमर इज लॉक्ड। वो अब आपको पता है आज की डेट में क्लब महिंद्रा सबने सुना है, क्लब महिंद्रा के होटेल्स है राइट। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी इतनी ज्यादा महंगी मेंबरशिप रखी हुई है, तो उससे क्या होगा, कस्टमर लॉक्ड हो जाएगा कि हाँ अब हमने मेंबरशिप के पैसे दिए हुए हैं, अब हमने हर बारी जब भी घूमने जाना है हमने वहीं पे स्टे करना है राइट, हमें वहीं पे स्टे करना है। और वो वहां पे स्टे करेंगे तो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी लेंगे, वहां पे खाना भी खाएंगे और भी फैसिलिटीज लेंगे वहां पे, उनको उनको और भी होटल के अंदर कोई भी सर्विसेज चाहिए, प्रेसिंग की सर्विसेज चाहिए या कोई वॉशिंग की सर्विसेज चाहिए, तो उससे उससे उन्होंने क्या किया, दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट प्राइसिंग, कि हाँ एक प्रोडक्ट देकर कस्टमर को लॉक कर दिया राइट। अब कस्टमर जब भी हर बारी नया प्रोडक्ट खरीदेगा वो हमारे पास ही आएगा राइट। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट प्राइसिंग। एम आई क्लियर विद कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट प्राइसिंग? सबको क्लियर है? यस नो? भूमि खिलाक्षी विदुषी, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट प्राइसिंग इज क्लियर टू एवरीवन? यस नो? यस एवरीबॉडी? खिलाक्षी राइट ओके। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट वी हैव इज प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग स्ट्रेटजी। अ प्रोडक्ट लाइन इज अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर रिलेटेड टू वन अनदर राइट। इसमें क्या है, मैंने जैसे आपको बताया एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से क्या है, रिलेटेड है। प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग अकर्स विद द सेटिंग द प्राइस स्टेप्स बिटवीन वेरियस प्रोडक्ट्स इन अ कॉस्ट लाइन बेस्ड ऑन कॉस्ट डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स इवैल्यूएशंस ऑफ डिफरेंट फीचर्स, कॉम्पिटिटर्स प्राइसेस। अब आपको पता है एक प्रोडक्ट है, अब क्या आप जाते हो किसी शॉप पे, सर इसमें सिर्फ 10 रुपए का फर्क है, आप ये प्रोडक्ट ले लो इससे बेटर है राइट, इसमें सिर्फ 20 रुपए का फर्क है, $20 का फर्क है, आप ये प्रोडक्ट ले लो इससे बेटर है। इससे उन्होंने क्या किया, सेम प्रोडक्ट लाइन में एक एक प्रोडक्ट को थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया और उसके उसका प्राइस बढ़ा दिया, थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया और उसका प्राइस बढ़ा दिया राइट। तो इससे इससे प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में क्या है, और इनको इन सब प्रोडक्ट्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रखना पड़ेगा क्योंकि कुछ ना कुछ एडिशनल वो आपको दे रहे हैं। सो इन अदर वर्ड्स, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग अकर्स व्हेन अ कंपनी मस्ट डिसाइड द प्राइस डिफरेंसेस बिटवीन द अपग्रेड्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस राइट। वो आपको अपग्रेड दे, सर ये अपग्रेडेड मॉडल आया है, होता है सेम आईफोन में होता है राइट। आईफोन तो चलो पुराना पुराना खत्म हो जाता है ना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे साइमल्टेनियसली क्या चलते हैं, सारे प्रोडक्ट्स चलते हैं राइट। मतलब पुरानी चीज भी पड़ी है, नई भी पड़ी है, आपको जो लेनी है वो ले लो। यूजली आपको ये घर के प्रोडक्ट्स में दिखता है, सर ये सर्फ एक्सेल खरीद लो, ये सर्फ एक्सेल 4 किलो का इतने का पड़ेगा, 5 किलो का इतने का पड़ेगा, थोड़ा सा एडिशन करके वो उसका प्राइस भी आपको बढ़ा देते हैं राइट। तो उससे उससे क्या होगा, कस्टमर ने खरीदनी थी कम कम प्राइस वाली चीज, उससे क्या होगा, कस्टमर ज्यादा प्राइस वाली चीज खरीद के चला जाएगा कि हाँ यार फॉर एग्जाम्पल आपको 4 किलो वाला 400 का पड़ रहा है और वो आपको 5 किलो वाला 450 में ही दे रहे हैं, हमें बेनिफिट हो रहा है, पर केजी कम पड़ रहा है, तो उससे उससे वो क्या हो गया, वो दे विल बी टेम्पटेड कि हाँ हम 4 केजी की जगह वी शुड बाय 5 केजी राइट। सो उन्होंने क्या किया, एक एक अपग्रेड, या अगर हम बात करें किसी भी मॉडल के अंदर, आप लैपटॉप लेने जाते हो, लैपटॉप के फंक्शन तो सबके सेम है राइट, लैपटॉप के फंक्शन सबके सेम है, वो क्या बोलेंगे, सर ये देखो इसकी इसकी शेप कितनी अच्छी है, ये देखो ये इस शेप में है, इसमें देखो इसमें हल्की सी मेमोरी भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं होगा, जस्ट एक थोड़ा सा या वर्जन में अपडेट कर दिया या उसका उसका अपडेट विंडोज में अपडेट कर दिया, तो उसी का उन्होंने क्या प्राइस चार्ज कर लिया आपसे, एक एडिशनल प्राइस चार्ज कर लिया। सो जैसे आप कोई एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया, बेसिक कार वॉश की ले लो, अगर आप बेसिक कार वॉश करवाते तो कुछ और प्राइस है, सुपर कार वॉश वो कहेंगे सर हम अंदर से भी सारी अच्छे से साफ करेंगे राइट, विद वॉश एंड वैक्स विल कॉस्ट लिटिल मोर, अ फुल सर्विस प्रीमियम वॉश विल बी मोस्ट एक्सपेंसिव। तो जैसे जैसे आपने सेम सर्विस के अंदर अपग्रेडेशन दिया, वैसे वैसे आपका प्राइस भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी लोअर अपग्रेडेड मॉडल है उससे जो अपर अपग्रेडेड मॉडल है, तो दोनों में प्राइस का डिफरेंस होना चाहिए पहली बात। तो दूसरी बात,
जो कम कम अपग्रेडेड मटेरियल है उसका प्राइस कम होना चाहिए, और जो हायर अपग्रेडेशन वाली चीज है उसका प्राइस क्या होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसे आप अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी सेट कर सकते हो विद इन अ सिंगल प्रोडक्ट लाइन, राइट। नाउ कमिंग अप टू द वॉल्यूम डिस्काउंटिंग, ये सबको क्लियर है पहले तो ये बात, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग सबको क्लियर है, यस नो, भूमि की लाक्षी विदुषी, यस। चलिए नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट नेक्स्ट वी हैव इज वॉल्यूम डिस्काउंटिंग, वॉल्यूम डिस्काउंटिंग स्ट्रेटजी, राइट। वॉल्यूम डिस्काउंटिंग स्ट्रेटजी में क्या है, अगर आप क्वांटिटी ज्यादा लेते हो, अगर आप एक पीस लेते हो आपको 100 का मिलेगा, 2 पीसेज लेते हो तो आपको 90, तो आपको फॉर एग्जाम्पल 180 में मिल जाएगा, 3 पीसेज लेते हो तो आपको और भी सस्ता, 3 पीसेज लेट से आपको 210 का पड़ जाएगा, या फॉर एग्जाम्पल एनी प्राइस, राइट। तो ये आपको 70 का ही पड़ेगा, यहाँ पे आपको 90 का पड़ रहा है, यहाँ पे आपको 100 का पड़ रहा है, राइट। तो जितनी आप ज्यादा क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे उतना आपको क्या मिलता जाएगा, डिस्काउंट मिलता जाएगा। तो अच्छा, अब डिस्काउंट्स में भी दो चीजें हैं, कि एक तो है कि अगर आप लार्ज क्वांटिटीज खरीदोगे, चाहे जितनी बारी मर्जी खरीदो, चाहे आपने एक बारी 5,000 खरीदे, 2 बारी 5,000, 3 बारी, अगर आपने 5,000 से ऊपर खरीदे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 5,000 से ऊपर कोई प्रोडक्ट्स खरीदे हैं तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि 5,000 से ऊपर खरीदे तो 20%, अगर आपने दोबारा 5,000 से ऊपर खरीदे तो आपको एडिशनल 5% डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। तो दो दो तरह के क्वांटिटी डिस्काउंट्स होते हैं, वन इज ओनली क्वांटिटी डिस्काउंट एंड सेकंड इज क्यूमुलेटिव क्वांटिटी डिस्काउंट, राइट। सो वॉल्यूम डिस्काउंटिंग मीन्स ऑफरिंग कस्टमर्स अ लोअर प्राइस पर यूनिट इफ दे परचेज अ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। इट टेक्स टू मेन फॉर्म्स, वन इज क्वांटिटी डिस्काउंट फॉर कस्टमर्स दैट ऑर्डर लार्ज क्वांटिटीज। तो जो लार्ज क्वांटिटीज ऑर्डर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक हमने टारगेट सेट कर लिया है कि जिस कस्टमर ने 10,000 से ऊपर कोई चीज खरीदी है, 10,000 से ऊपर, तो हम उसको 20% एक फिक्स कर दिया, राइट। और क्यूमुलेटिव क्वांटिटी डिस्काउंट में क्या है, द डिस्काउंट इंक्रीजेस एज अ क्यूमुलेटिव टोटल ऑर्डर इंक्रीजेस। फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला कि 5,000 तक इतना डिस्काउंट, 10,000 से ऊपर हो जाएगा तो इतना डिस्काउंट, फिर 15,000 से ऊपर हो जाएगा तो इतना डिस्काउंट, राइट। सो दिस मे अपील टू दोज हु डू नॉट विश टू प्लेस लार्ज इंडिविजुअल ऑर्डर्स बट हु परचेज लार्ज क्वांटिटीज ओवर टाइम। तो ये किसके लिए बेनिफिशियल है, जो एक बार में बहुत ज्यादा चीजें नहीं खरीदते हैं, जो थोड़ा थोड़ा करके, जैसे पहले 5,000 खरीद ली, फिर 5,000, फिर 10,000, राइट। तो उनके लिए ये वाला जो वॉल्यूम डिस्काउंटिंग है दैट इज बेटर, राइट। सो बेनिफिट्स टू बिजनेस ऑफ यूजिंग अ वॉल्यूम डिस्काउंटिंग स्ट्रेटजी, बिजनेस को क्या फायदा है, इससे क्या होगा, आपकी कस्टमर लॉयल्टी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अब उनको पता होगा कि अगर अब हम अगली बारी जब जाएंगे हमें डिस्काउंट मिलेगा तो हमें यहीं से खरीदना है। सो क्यूमुलेटिव क्वांटिटी डिस्काउंट्स लॉक इन द कस्टमर सिंस द फर्दर परचेजेस कैन बी मेड एट लोअर कॉस्ट पर यूनिट, अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर्स। अब नए कस्टमर्स भी आएंगे, एन एक्सेप्शनल लेवल ऑफ डिस्काउंट कैन बी ऑफर्ड टू न्यू कस्टमर्स ऑन वन ऑफ बेसिस एनेबलिंग द सप्लायर टू गेट देयर फीट इनटू द डोर। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से समझना, अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर्स में वो कहना चाह रहे हैं, कहते कहते हम क्या करेंगे, हम कस्टमर को एक बार ही जैसे 25% डिस्काउंट दे दिया, अब वो उसका हमारे ऊपर ट्रस्ट बन गया कि यहाँ पे हमें डिस्काउंट मिलता है, वो अब उसके बाद चाहे हम उसको 15% पे भी दें फिर भी वो कंटिन्यूअसली हमसे ही खरीदेगा, क्योंकि एक बारी उसने देख लिया है कि हाँ यहाँ पे हमें डिस्काउंट्स मिलते हैं, तो ही विल कंटिन्यू बाइंग द प्रोडक्ट्स फ्रॉम हेयर। नेक्स्ट इज लोअर सेल्स प्रोसेसिंग कॉस्ट, क्योंकि इससे इससे क्या होगा, आपको लोग बल्क ऑर्डर देंगे तो आपको अलग अलग कस्टमर्स को तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। लोअर परचेजिंग कॉस्ट, हाई सेल्स वॉल्यूम एनेबल्स बिजनेस टू एंजॉय डिस्काउंट्स फ्रॉम देयर सप्लायर्स, उनको फर्दर जो मटेरियल मिलेगा वो भी सस्ते में मिलेगा। डिस्काउंट्स हेल्प टू सेल आइटम्स दैट आर बॉट प्राइमरली ऑन प्राइस, ये पॉइंट समझना, दैट आर बॉट प्राइमरली ऑन प्राइस। इट मींस लेट्स से एक प्रोडक्ट है जो आपका कॉम्पिटिटर भी बेच रहा है, राइट। एक प्रोडक्ट है जो आपका कॉम्पिटिटर भी बेच रहा है और वो ज्यादा फर्क नहीं है उनमें, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम टायर्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट। टायर्स आपको पता नहीं है, राइट, उसके उसके क्या कहते हैं, मित्सुबिशी के भी एक जैसे लगते हैं, राइट, एमआरएफ के भी सेम से लगते हैं। तो वहां पे जो मतलब कि आपका प्रोडक्ट है वो सिमिलर है और सिमिलरली प्राइस्ड है। फॉर एग्जाम्पल आप 3,000 का बेच रहे हो तो वो 3,100 का बेच रहे होगा या 3,200 का, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं होगा। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आपको वॉल्यूम डिस्काउंटिंग दोगे तो कस्टमर विल बाय फ्रॉम यू, क्योंकि आप वो क्योंकि सेम प्राइस पे प्लेस्ड है सारे प्रोडक्ट्स। अब आप जब आप उसको डिस्काउंट दोगे तो कस्टमर आपके पास ही आएगा, तो जो प्रोडक्ट्स
प्राइमरली ऑन प्राइस बेस्ड है, मींस सिमिलर प्राइसिंग पे है, उन पे डिस्काउंट्स देने से आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा, आप ज्यादा क्वांटिटी में अपने प्रोडक्ट्स क्या कर पाओगे, बेच पाओगे, क्लियरेंस ऑफ सरप्लस स्टॉक, जैसा आपने बोला अर्शदीप कि हम अपने अपने जो सरप्लस स्टॉक है उसको क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, और अनपॉपुलर आइटम थ्रू द यूज ऑफ डिस्काउंट्स। अब कई बार क्या होता है यार, ये चीज की मेरे को जरूरत तो नहीं पर इतनी सस्ती मिल रही है मैं ले ही लेता हूँ, ऐसा हम कितनी बार, हाँ परसेप्शन हो जाती है राइट, कि ये सस्ती मिल रही है तो मैं ले लेता हूँ राइट, बहुत ज्यादा उसकी बिकती भी नहीं होगी, बट ऐसा उसको डिस्काउंट्स लगाने से उसका प्रोडक्ट क्या हो गया, बिक गया राइट, जो उसका वेस्ट भी पड़ा था शायद उसको डिस्पोज ऑफ ही करना पड़ता, फेंकना ही पड़ता, बट फिर भी कुछ वैल्यू में तो उसका बिक गया ना राइट, उसको तो बेनिफिट हो गया ना। हाँ हाँ यस, साइकोलॉजिकली उनको लगता है कि हाँ कि हमें हमें सस्ते में मिल गया, बट एक्चुअली वो बेवकूफ बन के आया होता है राइट। हाँ डिस्काउंट्स कैन बी गेट टू पर्टिकुलर ऑफ पीक पीरियड्स, अब हम जहाँ पे मतलब कि बहुत ज्यादा पीक पीरियड नहीं, आपका स्लो पीरियड, स्लो मतलब कि आपका अभी सीजन नहीं है, बेसिकली सीजन नहीं है, तो वहां पे आपके आपके डिस्काउंट्स आप क्या कर सकते हो, ज्यादा देकर अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट तो फिर भी रिकवर कर सकते हो। सो कंडीशन सुटेबल फॉर अ वॉल्यूम डिस्काउंटिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, सेल्स मार्जिन इज सबसे, अब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना, आप वॉल्यूम डिस्काउंटिंग तभी यूज कर सकते हो, ऑब्वियसली कोई भी अपनी कॉस्ट पे तो किसी को डिस्काउंट नहीं दे, अगर आपके मार्जिन बहुत ज्यादा है तभी आप वॉल्यूम डिस्काउंट्स दे पाओगे, अगर आपका मार्जिन पहले ही कम है आप क्या डिस्काउंट दे लोगे, फिर तो आप अपने अपने से अपनी कॉस्ट से नीचे थोड़ी बेचने लग जाओगे राइट, तो आपके सेल्स मार्जिन होने बहुत जरूरी है, अलाउइंग प्रॉफिट्स टू बी मेड इवन आफ्टर डिस्काउंटिंग, मतलब डिस्काउंट देने के बाद भी आपको क्या होना चाहिए, प्रॉफिट्स होने चाहिए। आपको पता है एक कपड़े की इंडस्ट्री में 200% तक के मार्जिन होते हैं, तो वहां पे तो आप दे सकते हो राइट, बट अब अगर आप लोहा मंडी में चले जाओ, स्क्रैप इंडस्ट्री में जाओ, वहां पे तो मार्जिन ही कितना होता है, 100 रुपए का, 200 रुपए का, तो वहां पे आप कैसे इतनी डिस्काउंटिंग दे लोगे, तो डिस्काउंटिंग ये जो वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंटिंग है, दिस इज ओनली पॉसिबल जहां पे आपके प्रॉफिट्स क्या है, दे आर सब्सटेंशियल, बहुत हाई डिग्री के प्रॉफिट्स है राइट, द प्रोडक्ट इज बॉट ऑन प्राइस एंड इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, मतलब जैसे मैंने अभी टायर्स की एग्जांपल दी, दोनों प्रोडक्ट्स क्या है, सिमिलर है, हम नहीं पता कर सकते कि दोनों प्रोडक्ट्स में से कौन सा अच्छा है कौन सा बेटर है, प्रोडक्ट्स विद लिमिटेड शेल्फ लाइफ, फॉर एग्जाम्पल फैशन आइटम्स, अब कपड़े के फैशनेबल आइटम्स पता है कि ये तो बाद में वेस्ट, अगले साल नहीं बिकेंगी, तो वहां पे भी आप क्या दे सकते हो, क्वांटिटी वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंटिंग दे सकते हो। चलिए पढ़ते हैं फटाफट, ऑलमोस्ट वी आर ऑन द एंड ऑफ द चैप्टर, खत्म हो गया, हाँ बस खत्म होने वाला चैप्टर वाला भी, तो चलिए उसके बाद देखो डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, अब डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, अब देखो सिचुएशन और वहां पे हम कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं, उन्होंने आपको एक टेबुलर फॉर्म में आपको कंक्लूड करके दिया है, प्रोडक्ट इज न्यू एंड डिफरेंट, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, स्कीमिंग राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई नया इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, अर्ली एडॉप्टर्स एंड आर प्रिपेयर टू पे हाई प्राइसेस टू अचीव ओनरशिप राइट, तो वो अब कहते हैं ना कईयों के पास तो पैसा ही इतना होता है उन्हें समझ ही नहीं लगता खर्चे कहाँ पे राइट, हाँ राइट, और कुछ लोग ऐसे होते हैं दे टेक्नोलॉजी फ्रीक राइट, उनको लगता है कि हाँ यार मतलब कि जितना मर्जी महंगा हो मैंने तो लेना ही लेना है राइट, या बहुत ज्यादा जिनको स्टेटस सिंबल होता है राइट, कि हाँ मैं जब तक मेरे हाथ में आईफोन नहीं होगा, लेटेस्ट नहीं होगा, मेरा स्टेटस नहीं है भाई राइट, तो वो लोग क्या करते हैं, दे आर रेडी टू बाय ऑन स्किमिंग प्राइस आल्सो, द सिग्निफिकेंट बैरियर्स टू एंट्री, यहाँ पे स्किमिंग, यहाँ पे सिग्निफिकेंट एंट्री एग्जिट एग्जिट के बैरियर्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल पेटेंट प्रोटेक्शन, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट और अनयूजली स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी, टू डेटर कॉम्पिटिशन इन ऑर्डर दैट स्कीमिंग कैन बी सस्टेन, द प्रोडक्ट हैज अ शॉर्ट लाइफ साइकिल सो देर इज नीड टू रिकवर डेवलपमेंट कॉस्ट एंड मेक प्रॉफिट क्विकली, द बिजनेस हैज लिक्विडिटी प्रॉब्लम एंड मे बी अट्रैक्टेड बाई हाई इनिशियल कैश फ्लोज अवेलेबल इन अर्ली स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ, स्ट्रेंथ ऑफ डिमांड एंड सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड टू प्राइस आर अननोन, इट इज मच इजियर टू लोअर प्राइसेस देन टू इंक्रीज देम, अच्छा एक बात जरूर है, आपने एक बारी प्राइस सेट कर दिया उसको बढ़ाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पता नहीं लोग लेंगे या नहीं लेंगे, बट एक बारी ज्यादा प्राइस रखते उसको कम करोगे तो बिकेगा ही बिकेगा राइट, तो इट इज बेटर स्कीमिंग के अंदर कि आप पहले आप अपने प्राइसेस को पहले ही ज्यादा रख दो, नहीं बिकेगा तो कम कर लेंगे राइट, उसके बाद ओके नाउ पेनिट्रेशन, तो पेनिट्रेशन पॉलिसी में द बिजनेस विशेस टू डिस्करेज न्यू कमर्स फ्रॉम एंटरिंग द
मार्केट राइट। द बिजनेस विशेस टू शॉर्टन द इनिशियल पीरियड ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इन ऑर्डर टू एंटर द ग्रोथ एंड मेच्योरिटी स्टेजेस एज क्विकली एज पॉसिबल। अब यहाँ पे क्या होगा, वो इनिशियल अपने अपने पीरियड को छोटा करना चाहेंगे पहले कम प्राइसेस पे बेच के, तो एक बार ही उनके उससे क्या होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएंगी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल आने से वो किस स्टेज में पहुंच जाएंगे, ग्रोथ स्टेज में, और वहां पे पहुंच गए फिर उसके बाद वो अपने अपने प्राइसेस को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं राइट। सो देर आर सिग्निफिकेंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल टू बी अचीव फ्रॉम हाई वॉल्यूम आउटपुट एंड सो टू क्विक पेनिट्रेशन इन टू द मार्केट इज डिजायरेबल इन ऑर्डर टू गेन दोज यूनिट कॉस्ट रिडक्शन राइट। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो जाएंगी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगी तो ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगी, गिर जाएगी राइट। डिमांड इज हाईली इलास्टिक एंड सो वुड रिस्पॉन्ड वेल टू द लो प्राइसेस। तो वहां यहाँ पे हम क्या एज्यूम करके चलते हैं कि डिमांड जो होगी क्या होगी, हाईली इलास्टिक होगी। थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज आने से क्या होगा, हमारी या तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम बढ़ जाएगा या तो बहुत ज्यादा डिमांड कम हो जाएगी। देन नेक्स्ट इज प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन के क्या क्या फीचर्स है, अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इज बीइंग मार्केटेड। द प्रोडक्ट्स विद इन अ प्रोडक्ट लाइन आर रिलेटेड बट मे वेरी इन टर्म्स ऑफ स्टाइल, कलर, क्वालिटी एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल डिनर सर्विसेज, कटलरी सेट्स राइट। अब यहाँ पे प्रोडक्ट लाइन में वो क्या बात कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्या कहते हैं, सूप के बाउल सेल कर रहे हो, तो साथ में उसके प्लेट्स भी लेगा, ले गए उसके स्पून्स भी लेगा राइट। तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो वेरी कर सकते हैं बट दे आर इन सिमिलर प्रोडक्ट लाइन राइट। कंज्यूमर्स विल टेंड टू बाय अ नंबर ऑफ आइटम्स विद इन द रेंज एंड बी प्रिपेयर टू पे अ रिलेटिवली हाई प्राइस फॉर लेस एसेंशियल आइटम्स इन ऑर्डर टू बिल्ड अप अ मैचिंग सेट राइट। अब डिनर सेट, अब कई बार हम सोचते हैं वो डिनर सेट में कितनी सारी चीजें ऐसी होती है जो काम भी नहीं आती, बट हमें हमें डिनर सेट पूरा करना है तो इसीलिए हम उसको भी खरीद लेते हैं राइट। द नेक्स्ट इज वॉल्यूम डिस्काउंटिंग। वॉल्यूम डिस्काउंटिंग, द सेल्स मार्जिन इज सब्सटेंशियल। ऑब्वियसली जहां पे सेल्स मार्जिन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, वहीं पे आप वॉल्यूम डिस्काउंटिंग यूज कर सकते हो, अलाउइंग गुड प्रॉफिट्स टू बी मेड इवन आफ्टर सिग्निफिकेंट डिस्काउंटिंग। फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स राइट। सो द प्रोडक्ट इज ट्रेडिशनली बॉट ऑन प्राइस, इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल कार टायर्स राइट। प्रोडक्ट्स विद इन द लिमिटेड शेल्फ लाइफ, फॉर एग्जाम्पल फैशन आइटम्स। तो वॉल्यूम डिस्काउंटिंग कहाँ कहाँ पे यूज हो सकती है, वन जहाँ पे आपके मार्जिन बहुत ज्यादा है, सेकेंड जहाँ पे आपको आपके जो प्रोडक्ट्स हैं कंपीटिंग प्रोडक्ट्स के साथ डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हो, थर्डली वहां पे जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ क्या है, बहुत लिमिटेड है, वहां पे भी आप क्या यूज कर सकते हो, वॉल्यूम डिस्काउंटिंग यूज कर सकते हो। यस एम आई क्लियर यहाँ तक, यस भूमि खिलाक्षी विदुषी कुछ पूछना है यहाँ तक पूछ लो, किसी को कुछ ना समझ आया हो राइट राइट। चलिए कमिंग अप टू द नेक्स्ट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी। जैसे मैंने आपको बताया, अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन स्ट्रेटजीज वेयर द कंपनी सेल्स द सेम प्रोडक्ट और सर्विसेज एट डिफरेंट प्राइसेस इन डिफरेंट मार्केट्स फॉर रीजंस नॉट एसोसिएटेड विद कॉस्ट। वो आपकी कॉस्ट से रिलेटेड नहीं है, आप बस देख रहे हो कि हाँ जहाँ पे बहुत हाई स्टैंडर्ड के लोग रहते हैं ये तो मैं सस्ती चीज भी महंगे में बेच सकता हूँ, और जहाँ पे थोड़े से एवरेज लेवल के लोग रहते हैं वहां पे हम एवरेज प्राइस में, जहाँ पे बहुत कम थोड़े लो लेवल के लोग रहते हैं वहां पे लो प्राइसेस में बेच सकता हूँ। सो कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन स्ट्रेटजी, द सेलर मस्ट हैव सम डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर। ऑब्वियसली उसकी मोनोपोली होनी चाहिए तभी वो बेच पाएगा अलग अलग प्राइसेस पे, नहीं तो लोग क्या करना शुरू कर देंगे, लोग किसी और से खरीदना शुरू कर देंगे, और द प्राइस विल बी ड्राइवन डाउन। कस्टमर्स कैन बी सेग्रीगेटेड इनटू डिफरेंट मार्केट्स, हम उनको सेग्रीगेट कर पाएंगे तभी हम अलग, अगर एक ही मार्केट में सभी रह रहे हैं तो वहां पे तो मैं अलग अलग प्राइस नहीं सेट कर सकता। कस्टमर्स कैन नॉट बाय एट लोअर प्राइस इन वन मार्केट एंड सेल एट हायर प्राइस इन द अदर मार्केट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसा नहीं हो सकता कि कस्टमर एक एक मार्केट से लेके दूसरी मार्केट में भेज दे, फिर तो ये फेल ही हो जाएगी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी कि हाँ हम क्या हम एक जगह से लेकर दूसरी जगह से बेचना शुरू कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन स्ट्रेटजीज आर पर्टिकुलर इफेक्टिव फॉर सर्विसेज, ये यूजली सर्विसेज के लिए इफेक्टिव है। देयर मस्ट बी डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड इन ईच मार्केट सो दैट प्राइसेस कैन बी रेज्ड इन वन एंड लोअर्ड इन द अदर टू इंक्रीज द रेवेन्यू। अब एक अगर जहां पे डिमांड जो है बहुत ज्यादा प्राइस इलास्टिक है, क्या वहां पे आप प्राइस बढ़ा पाओगे, नहीं राइट। जहां पे आपकी इलास्टिसिटी क्या है, कम है राइट, वहां पे आप ज्यादा प्राइस रख दो। जहां पे प्राइस इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है वहां पे आप प्राइस को क्या रख दो,
लोअर कर लो, राइट? सो डेंजर्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एज ए स्ट्रेटजी, तो इसके क्या क्या, अच्छा बिफोर गोइंग टू डेंजर्स, आप बताइए आपको क्या लगता है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के क्या क्या डेंजर्स हो सकते हैं? यस ओके जयपुर यस एंड यस और और न्यू पॉपुलेशन यस, नया कंपटीशन आ सकता है, एक ब्लैक मार्केट आ सकती है, राइट? लोग एक ब्लैक मार्केट एग्जिस्ट कर सकती है। अब ब्लैक मार्केट में भी डेवलप अलाउइंग दोज इन लोअर प्राइस सेगमेंट टू रीसेल दोज इन द हायर प्राइस सेगमेंट, कॉम्पिटिटर्स ज्वाइन द मार्केट जैसे आपने बोला, एंड अंडरकट द फर्म्स प्राइसेस, कस्टमर्स इन हायर प्राइस ब्रैकेट्स लुक फॉर ऑल्टरनेटिव, तो लोग दूसरे ऑल्टरनेटिव देखने शुरू हो जाएंगे, एंड डिमांड बिकम्स इलास्टिक ओवर। दैट्स इट, इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है ये वाला भी। चलिए टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 8 देखते हैं, विच प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लेंड देमसेल्व्स टू प्राइस डिस्क्रिमिनेशन स्ट्रेटजीज। यस, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहाँ पे यूज हो सकती है, कौन से प्रोडक्ट्स के लिए यूज हो सकती है? मेडिकल यस और हाँ सर्विस ओके, ये तो आप एग्जांपल्स दे रहे हो, किस तरह के प्रोडक्ट्स में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन लग सकती है? एजुकेशन यस एजुकेशन, जहां पे क्या कहते हैं, बेसिकली सर्विसेज की बात करेंगे, इट्स सर्विसेज की। ओके यस बाद यस, वो अब इवन इवन कई बार हम वी गो टू मसाज पार्लर्स और वहां पे भी वो हर कस्टमर से, यस वेरी गुड भूमि, ब्रांडेड क्लोथ्स, यस और बताइए और बताइए। देखो सो फॉर एग्जाम्पल, लोअर एडमिशन प्राइसेस फॉर चिल्ड्रन एट सर्टेन स्पोर्टिंग एंड एंटरटेनमेंट सर्विसेज, राइट? तो बच्चों, अगर हम कई बार जाते हैं, कई बार हम इवन रेस्टोरेंट्स, यस वेरी गुड, एयरलाइन टिकट्स, वेरी गुड विदुषी, एयरलाइन टिकट्स इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, राइट? एलीट क्लास के लिए अलग प्राइसेज है, राइट? उसके बाद क्या कहते हैं, जिनको बेसिक टिकट्स चाहिए उनके लिए, बेसिक चेयर्स चाहिए उनके लिए अलग प्राइसेज है। इवन इवन जब आप बाहर खाना खाने जाते हो, राइट? अगर आपने अगर आपको ये चीजें चाहिए बुफे के अंदर तो ये प्राइस है, अगर ये चीजें चाहिए तो अलग प्राइस है। अगर आपको क्या कहते हैं, अच्छी सीट पे बैठना है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंसर्ट पे जाते हो, किसी के नहीं प्रोडक्ट वो है तो एक ही जगह ना, हाँ वो प्रोडक्ट सेम होगा, डिफरेंस तो क्या होगा, सिर्फ क्या फर्क है, थोड़ा आगे और पीछे, सिर्फ यही फर्क है। या अगर अगर हम ऐसे भी बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम रेलवेज में बात करें तो एल्डरली पीपल के लिए क्या है, डिस्काउंट है, राइट? इवन इवन जो वुमेन है उनके लिए क्या है, उनको पहले प्रेफरेंस दी जाती है कि उनको नीचे की सीट मिले, राइट? राइट? और ऐसे ही क्या कहते हैं, बाकी जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए अलग प्राइसेस हैं। और जैसे फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट्स है सीनियर सिटीजन के लिए कई कई पब्स और रेस्टोरेंट्स में, कंसेशनरी रेल फेयर फॉर द स्टूडेंट्स, राइट? लोअर एडमिशन प्राइस, इवन पता नहीं आप लोगों ने ये चीज देखी है, नहीं हमने देखी है, हम कई बार रेस्टोरेंट्स में भी जाते थे, स्पेशल स्टूडेंट डिस्काउंट्स मिलते थे, राइट? हाँ टूर्स स्पेशल स्टूडेंट डिस्काउंट मिलते थे, 10%, 15%, आप अपना आईडी कार्ड दिखाओ और आपको डिस्काउंट मिल जाता था। सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज, राइट? तो चलिए एक बड़ी लास्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 9, रीकैप ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, विच प्राइसिंग स्ट्रेटजीज आर एम्ड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, एस या स्किमिंग, या दूसरी क्या हो सकती है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, राइट? तो इट कैन बी स्किमिंग एंड पेनिट्रेशन प्राइसिंग, राइट? विच प्राइसिंग स्ट्रेटजीज सीक टू अट्रैक्ट सेल्स बाय ऑफरिंग अ प्रोडक्ट एट रिलेटिवली लो प्राइस, यस इट कैन बी पेनिट्रेशन एंड वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंटिंग, राइट? इट कैन बी वॉल्यूम, हाँ और कोई हो सकती है, लो प्राइसेस कहाँ होंगे, इन दोनों में ही है शायद, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में तो नहीं, वहां प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में तो उन्होंने खुद सेट करा है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, राइट? तो इट कैन बी पेनिट्रेशन और वॉल्यूम, राइट? प्रोडक्ट लाइन में भी हो सकता है, यस इट कैन बी देयर इन द प्रोडक्ट लाइन आल्सो, बट ज्यादा से ज्यादा जो डिस्काउंट्स है वो किस में है, पेनिट्रेशन एंड वॉल्यूम डिस्काउंट, राइट? हाँ हाँ वो कह रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री और प्रोडक्ट लाइन में भी होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और प्रोडक्ट लाइन में भी होते हैं, बट ज्यादा किस में है, पेनिट्रेशन और वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंटिंग में है, राइट? चलिए
विच प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज लेओर द कस्टमर, मीन्स कस्टमर को वो अट्रैक्ट करता है इन 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 विद अ रिलेटिवली लो प्राइस प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू लॉक द कस्टमर इन टू द सब्सिक्वेंट एडिशनल परचेजेस और सिमिलर आइटम्स दैट आर रिलेटिवली हाईली प्राइस्ड. यस प्रोडक्ट लाइन में होता है. यस प्रोडक्ट लाइन था, एक और था. कॉम्प्लीमेंट्री. यस कॉम्प्लीमेंट्री राइट. तो इट इज प्रोडक्ट लाइन एंड कॉम्प्लीमेंट्री. सबको समझ लग रहा है बात? यस. भूमि खिलाक्षी विदुषी सब कैचअप कर पा रहे हैं क्वेश्चंस के साथ? यस नो राइट. सो इट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंड प्रोडक्ट लाइन राइट. लास्ट विच प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इज अप्रोप्रिएट टू द आइटम्स दैट आर बॉट प्राइमरली ऑन प्राइस. अभी करा हमने प्राइमरली ऑन प्राइस. यस हाँ. प्राइमरली ऑन प्राइस मीन्स जो सेम सिमिलर प्राइसेस पे प्रोडक्ट्स बिकते हैं, मतलब कॉम्पिटिटर्स के साथ सिमिलर प्राइसिंग है. वो बिल्कुल सेम नहीं है, थोड़े से डिफरेंट है, बट वो डिफरेंस पता नहीं लगता. डिफरेंस पता नहीं लगता, दैट इज प्राइमरली ऑन प्राइस. चलिए इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर भी खत्म होता है आज. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज रेलिवेंट कॉस्टिंग. एक नए चैप्टर से शुरू करें, रेलिवेंट कॉस्टिंग से. वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर. अच्छा इसी के साथ साथ आपको ऑलमोस्ट 50% सिलेबस खत्म होगा राइट. 7 14 चैप्टर है, 14 में से. यस तो यस यस एक्सपेक्टेड यस. ओके भूमि, आपको जो डाउट्स है चैप्टर नंबर 7 में आप मेरे को प्लीज व्हाट्सएप कर दीजिए. आई विल टेक अप टुमारो. पहले हम आपके डाउट्स लेंगे फिर हम आगे चलें राइट. मेरा नंबर आपके पास है, सबके पास? 9815464900. हाँ, ग्रुप में भी है, ग्रुप में भी है मेरा नंबर. आई एम देयर इन द ग्रुप. तो आपके कोई भी डाउट्स है प्लीज, प्रेफरेबली हो सके तो मेरे को उस क्वेश्चन की फोटो स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया करो, नहीं तो मेरे को पेज नंबर लिख देना, सर इस पे ये वाला मेरे को डाउट है, तो आई विल टेक राइट भूमि राइट. कल मैं आपके डाउट्स ले. चलिए सर पेन है. ओके. नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट चैप्टर रेलिवेंट कॉस्टिंग. वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट चैप्टर. पूरे पूरे के पूरे आपके पीएम के सिलेबस का जो सबसे इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट चैप्टर है वो रेलिवेंट कॉस्टिंग है. क्यों? सेक्शन सी यस सेक्शन सी में पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है राइट. तो रेलिवेंट कॉस्टिंग जो चैप्टर है, रेलिवेंट कॉस्टिंग जो है ये आपको बताता है. मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा एग्जांपल दिया है कि आप कोई नया प्रोजेक्ट लेकर आना चाहते हो. फॉर एग्जांपल हम ऑलरेडी 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल हम ऑलरेडी 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. मेरे को एक ऑफर आता है बी से कि सर हमारे लिए 5,000 यूनिट्स बना दीजिए. तो इन 5,000 यूनिट्स के लिए मेरी कितनी कॉस्ट आएगी, मेरी कितनी कॉस्ट आएगी, मेरे लिए कौन सी कॉस्ट रेलिवेंट है सिर्फ इन 5,000 यूनिट के लिए, वो कौन बताएगा मेरे को? रेलिवेंट कॉस्टिंग बताएगी. मतलब इसमें हमें सारी कॉस्ट कंसीडर नहीं करनी है. सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम कुछ कॉस्ट देखेंगे. हमारे पास कुछ कॉस्ट होती है फिक्स कॉस्ट, कुछ कॉस्ट तो आपको पता ही है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट. उसके बाद वी विल बी सीइंग एक नई तरह की कॉस्ट, हम पढ़ेंगे संक कॉस्ट. सर अभी संक कॉस्ट क्या है? संक कॉस्ट मीन्स संक का मतलब ही क्या, जो डूब चुकी है, जो ऑलरेडी हो चुकी है राइट. अब क्या जो ऑलरेडी कॉस्ट हो चुकी है क्या वो मेरे फ्यूचर के डिसीजन के लिए कोई काम आएगी? नो इट इज नॉट रेलिवेंट. तो हम यहाँ पे जो बातें करेंगे, एक तो हम सम कॉस्ट की बात करेंगे, दूसरी हम बात करेंगे रेलिवेंट और इररेलीवेंट कॉस्ट की. कौन सी ऐसी कॉस्ट है जो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है? अब एक चीज बताना, मैं ये 5,000 यूनिट्स बनाऊं या ना बनाऊं, मेरे को ये कॉस्ट आनी ही आनी है, तो क्या वो मेरे लिए रेलिवेंट होगी? नहीं होगी. मैं चाहे वो प्रोडक्ट्स बनाऊं चाहे ना बनाऊं, मैं बोल रहा हूँ उसको उसको मैं उस हाँ, इट इज इरेलीवेंट. तो दोनों में फर्क समझना. सम कॉस्ट क्या है? जो ऑलरेडी हो चुकी है. इरेलीवेंट कॉस्ट क्या है? कि मतलब कि होनी है अभी बट मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है. मतलब मैं ये 5,000 यूनिट्स बनाऊं चाहे ना बनाऊं, वो तो मेरी कॉस्ट आनी आनी. फॉर एग्जाम्पल कोई कमिटेड कॉस्ट आपने पहले ही कमिट करके रखा हुआ है कि मैं फ्यूचर में ये कॉस्ट करूंगा. अब ये प्रोडक्ट बनाओ चाहे ना बनाओ, ये तो कॉस्ट होनी होनी है. क्या ये इस प्रोडक्ट के लिए आपके लिए रेलिवेंट है? द आंसर इज नो. तो दिस इज अ इररेलीवेंट कॉस्ट. थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अब सर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सबने इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं सुना होगा. व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट?
अल्टरनेटिव यस यस यस, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये 5,000 यूनिट्स में बना रहा हूं, अगर मैं इसकी जगह ये 5,000 यूनिट्स ना बनाता तो मैं उस जगह को रेंट पे भी दे सकता था। वहां उस जगह को मैं जो 5,000 यूनिट्स बनाने के लिए यूज करूंगा उस जगह को मैं रेंट पे भी दे सकता था। वहां से जितना मेरे को रेंट आएगा दैट इज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो किसी भी प्रोडक्ट को, नए प्रोडक्ट को, नए ऑफर को, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ प्लीज याद रखना, नए ऑफर को अगर आपको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, इट विल होली एंड होली बी डिपेंडेंट अपॉन रेलिवेंट कॉस्टिंग की। यस, टू एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। और यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं, यहाँ पे हम सिर्फ शॉर्ट टर्म डिसीजंस की बात करने वाले हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जाकर तो मेरी फिक्स कॉस्ट भी क्या हो जाती है, रेलेवेंट हो जाती है। बट फॉर द टाइमिंग जो मेरी मेरी शॉर्ट शॉर्ट टर्म के लिए फिक्स कॉस्ट तो क्या है, मेरी फिक्स्ड है, राइट? वो तो होनी होनी है, वो तो इनकर होनी होनी है, तो वो क्या है मेरे लिए, इरेलीवेंट है। जर्नली फिक्स कॉस्ट मेरी क्या है, इरेलीवेंट है। बट एक बात समझना, इस नए ऑफर को लाने के लिए, मेरे को एडिशनल फिक्स कॉस्ट इंकर करनी पड़ी है फिक्स कॉस्ट ही, बट एडिशनल फिक्स कॉस्ट इंकर करनी पड़ रही है, दैट विल बी रेलिवेंट कॉस्ट, राइट? तो हमेशा जो फिक्स कॉस्ट है वो इरेलीवेंट नहीं होगी, फिक्स कॉस्ट कैन बी रेलिवेंट कॉस्ट ऑल्सो। सो वी हैव टू सी, हमें देखना पड़ेगा कि हमारे लिए कौन सी कॉस्ट रेलिवेंट है और कौन सी कॉस्ट इरेलीवेंट है। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर के साथ, और इस चैप्टर में कोई भी छुट्टी नहीं करेगा, तो जहां पे एक भी कंसेप्ट मिस हुआ है पूरा चैप्टर गया, राइट? सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये मेरे साथ साथ आप चलेंगे इसमें इसमें। अच्छा, पहली बात तो हम कुछ चीजें देखेंगे। अब मेक वर्सेस बाय, व्हाट डू मीन बाय कि हम प्रोडक्ट को बनाएं या हम उसको बाहर से आउटसोर्स कर लें, तो यहाँ पे भी हम क्या एनालाइज करेंगे कि अगर हम बनाते हैं तो हमें कितना बेनिफिट हो रहा है, या अगर हम बाय कर रहे हैं उस कितना बेनिफिट हो रहा है। तो दोनों में से जो बेनिफिट मेरे को ज्यादा हो रहा होगा मैं वो कर लूंगा, या मैं बना लूंगा, या मैं बाहर से खरीद लूंगा, राइट? सो नेक्स्ट इज रेलिवेंट कॉस्टिंग। रेलिवेंट कॉस्टिंग में भी हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे कि हमें शटडाउन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद वन ऑफ डिसीजन, अगर मेरे को एक ही बार के लिए डिसीजन लेना है तो मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उसके बाद ज्वाइंट प्रोडक्ट प्रोसेसिंग कॉस्ट, उसके डिसीजन, राइट? तो कैसे कैसे हम ज्वाइंट प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग कैसे करेंगे और उसमें कैसे डिसीजन लेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम ये सब टॉपिक इसमें कवर करने वाले हैं, राइट? ओके, नाउ कमिंग अप टू द रेलिवेंट कॉस्ट एंड रेवेन्यू। सबसे पहले वी आर स्टार्टिंग विद डिसीजन मेकिंग। अब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, रेलिवेंट कॉस्ट। अगर आपको कोई डिसीजन लेने में बार बार आपको हमेशा से शुरू से एक ही बात बताता आ रहा हूं कि डिसीजन लेने के लिए आपकी फिक्स कॉस्ट इज नॉट रेलिवेंट। जनरली आपकी फिक्स कॉस्ट रेलिवेंट नहीं होती है, क्योंकि आप वो प्रोडक्ट बनाओ या ना बनाओ फिक्स कॉस्ट तो आनी ही आनी है। तो डिसीजन मेकिंग के लिए हम जो बात करते हैं किसकी बात करते हैं, हम मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं, एडिशनल कॉस्ट जो आएगी हम उसकी बात करते हैं। बट बेसिकली हमें ये देखना है कि अगर हम ये करते हैं तो कितना बेनिफिट हो रहा होता, और अगर इसको ना करते तो हमें क्या बेनिफिट हो रहा होता, दैट इज योर रेलेवेंट कॉस्ट, राइट? अब पढ़ते हैं एक बार, तो डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स मेकिंग अ चॉइस बिटवीन टू ऑल्टरनेटिव्स। अब डिसीजन मेकिंग कब, अच्छा अगर आपके पास ऑप्शन ही ना होती कि आप सीए करो या एससीए करो, आप ऑप्शन हाँ अगर अगर आपके पास ऑप्शन ही ना होती कि आप ए करो या बी करो, राइट? अगर आप अगर अगर आपको होता कि हम एसीसीए करें या सीए करें, आपको आपके पास ऑप्शन ही सिर्फ सीए करने की होती कि आप एसीसीए में आते हैं? नहीं आते, राइट? तो कौन सी एक्सक्लूसिव ऑप्शंस आपके पास, ए है या बी है, तो आप उनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, दैट इज योर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन आपको तभी लेना पड़ता है कि जब आपको या तो ये चूज करना है या तो ये चूज करना है। अगर तो आप दोनों कर सकते हो फिर तो डिसीजन मेकिंग का तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना। तो डिसीजन मेकिंग का पॉइंट ही तभी आएगा व्हेन यू हैव टू चूज बिटवीन टू और मोर ऑल्टरनेटिव। जब आपको एक, दो या दो से ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स के में से एक ऑल्टरनेटिव को चूज करना पड़े, दैट विल बी योर डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग करते टाइम फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, आपको क्या ए प्रोडक्ट बनाना है, बी प्रोडक्ट बनाना है, सी प्रोडक्ट बनाना है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, जहां से मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉफिट आने वाले हैं मैं वो प्रोडक्ट बनाऊंगा, मैं बाकी प्रोडक्ट्स को क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा, राइट? आई विल ड्रॉप दोज प्रोडक्ट्स। क्या है।
अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज समझना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास तीन प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स ए, बी और सी, राइट। आपने देखा कि सी प्रोडक्ट से आपको सबसे ज्यादा क्या आ रहा है, प्रॉफिट्स आ रहे हैं, राइट। फर्स्ट फर्स्ट प्रेफरेंस इसको है, सेकंड प्रेफरेंस इसको है, थर्ड प्रेफरेंस इसको है, राइट। अब जब आपने सी प्रोडक्ट बनाया तो आप बी नहीं बना पाओगे। अब बी से जो आपको रेवेन्यू आ सकता था वो आपकी क्या हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ आई, मतलब ये ऑल्टरनेटिव चूज करने के लिए आपने जो इससे नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को छोड़ा वो आपकी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यस भूमि खिलाक्षी विदुषी, यहां तक क्लियर है? यस नो? राइट, चलते हैं आगे। तो रेलिवेंट कॉस्ट इन रेवेन्यू, डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स मेकिंग अ चॉइस बिटवीन टू और मोर ऑल्टरनेटिव्स। व्हेन अ बिजनेस इज मेकिंग वन ऑफ द शॉर्ट टर्म डिसीजन मेंशन्ड, इट शुड बी ओनली कंसिडर द रेलिवेंट कैश फ्लोज दैट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिसीजन। जो उस डिसीजन के कारण मेरे कैश फ्लोज हो रहे हैं, और कैश फ्लोज डजंट मीन ओनली इनफ्लो, इट मीन्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो बोथ। जो उसके कारण मेरे कैश फ्लोज हो रहे हैं, और इम्पॉर्टेंट क्या है, आई एम टॉकिंग अबाउट कैश फ्लोज। तो यहाँ पे वर्ड क्या है, कैश फ्लोज। क्या मैं डेप्रिसिएशन कंसिडर करूंगा? नो, इट इज अ नॉन, यस। तो अगर तो वो टैक्स अलाउबल है तो उसको मैं कंसिडर कर लूंगा, नहीं तो मैं उसको कंसिडर नहीं करूंगा, राइट। तो डेप्रिसिएशन को जनरली मैं कंसिडर नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरी नॉन कैश कॉस्ट है, राइट। नाउ कैश पोजिशन, हमारी कैश पोजिशन क्या होगी अगर हम एक्सेप्ट करते हैं प्रपोजल ए को, और मेरी कैश पोजीशन क्या होगी अगर मैं उस प्रोजेक्ट को क्या कर देता हूँ, रिजेक्ट कर देता हूँ और उसकी जगह क्या कर लेता हूँ, एक नया नया ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो माई रेलिवेंट कैश फ्लो विल बी ए माइनस बी, कि अगर मैं वो करता तो मेरे को कितने बेनिफिट्स होते, वो ना करके मैंने दूसरा काम किया तो मेरे कितने कितने कैश फ्लो हो रहे, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा मेरे लिए, रेलिवेंट कैश फ्लो होगा। अ रेलिवेंट कैश फ्लो इज अ फ्यूचर इंक्रीमेंटल कैश फ्लो, मतलब फ्यूचर में अगर मैं डिसीजन ले लेता हूँ, अगर मैं एक डिसीजन ले लेता हूँ कि मुझे ए बनाना है या बी बनाना है, या ए खरीदना है या बी खरीदना है, तो इसको करने से मेरे को कितने इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज होंगे, राइट। इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज में मेरे को ये भी देखना पड़ेगा कि कितना मेरे को नुकसान भी होगा, राइट। तो दोनों का मेरे को नेट करके देखना पड़ेगा कि मेरे को कितना नेट कैश फ्लो हो रहा है, दैट विल बी माय रेलेवेंट कैश फ्लो, राइट। ओके, फ्यूचर की बात करते हैं। ओनली फ्यूचर कैश फ्लोज दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ डिसीजन शुड बी कंसिडर्ड, एनी फ्यूचर कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों कंसिडर करे जाएंगे, चाहे वो कोई कॉस्ट है चाहे वो रेवेन्यू है, बोथ विल बी कंसिडर्ड। सम कॉस्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड, क्योंकि हम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी हो चुका है, अब उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। अब डिसीजन लो चाहे ना लो, वो काम तो हो चुका है, वो सम कॉस्ट तो इनकर हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई पहले डिजाइनिंग के खर्चे, कोई मार्केटिंग के खर्चे, कोई उसके यस मार्केट रिसर्च करने के खर्चे, उसके रिसर्च डेवलपमेंट के खर्चे, तो वो सब तो ऑलरेडी इंकर हो चुके हैं, दे आर इररिलेवेंट फॉर यू, दे आर नॉट रेलिवेंट कॉस्ट फॉर यू। तो सम कॉस्ट हमेशा क्या होगी, दे विल ऑलवेज बी इररिलेवेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग, तो इनको तो आप कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे। सो सम कॉस्ट दैट कॉस्ट दैट हैव ऑलरेडी बीन इंकर्ड इन द पास्ट आर नॉट रेलेवेंट टू द डिसीजन एंड शुड देयरफॉर बी इग्नोर्ड, वी कैन नॉट चेंज द पास्ट। अगर क्या कहते हैं, नए प्रोजेक्ट के लिए करिए, माय क्वेश्चन इज नहीं, अगर ऑलरेडी खरीद चुके हैं, इट विल बी सम कॉस्ट, इट विल बी सम कॉस्ट। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, कोई नया डिसीजन लेने के लिए, कोई नया प्रोजेक्ट के लिए आपको रेलिवेंट कॉस्ट निकालनी है, राइट। अगर आपने उस प्रोजेक्ट के लिए वो मशीनरी खरीदी है, फिर वो रेलिवेंट, ये पहला फिजिबल है कि नहीं, वो क्या करना से जानता। यस वो सब है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कॉस्ट हो चुकी है, उसके बाद आप डिसीजन लो चाहे ना लो, आपका वो तो कॉस्ट हो चुकी है, दैट इज योर सम कॉस्ट, वो इरेलीवेंट है फॉर डिसीजन मेकिंग। समझ आई ये बात? यस यस। अर्शदीप का एक क्वेश्चन था, सभी सुनो, वो क्या पूछ रहा है,
कहता लेट से हमने कोई नया नया प्रोजेक्ट बनाना है, कोई नया प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, तो उसके लिए मैंने पहले रिसर्च करी। रिसर्च मैंने सोचना है कि क्या ये मैं प्रोजेक्ट करूं या ना, राइट? ये डिसीजन तो यही है ना कि मैं ये प्रोजेक्ट पे काम करूं या ना करूं। तो इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने क्या करी, रिसर्च करी, मैंने कोई मशीनरी भी खरीद ली, कोई मैंने मशीनरी भी खरीद ली, राइट? अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, क्या ये मैं प्रोजेक्ट आगे कंटिन्यू करूंगा या नहीं करूंगा, क्या उससे मेरे ये वापिस हो सकती है, राइट? वो तो कॉस्ट ऑलरेडी इंकर हो चुकी है, सो दिस विल ऑलवेज बी माई सम कॉस्ट, इररिलेवेंट कॉस्ट, विच इज नॉट रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकर, राइट? ओके, नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीमेंटल का मतलब क्या है? ओनली एक्स्ट्रा कैश फ्लोज दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ डिसीजन शुड बी कंसिडर्ड, फॉर एग्जाम्पल एक्स्ट्रा कॉस्ट और रेवेन्यू। बार बार एक ही चीज वो आपको बता रहा है कि सिर्फ एक्स्ट्रा कॉस्ट, सिर्फ जो एक्स्ट्रा कॉस्ट या एक्स्ट्रा कैश फ्लोज आने वाले हैं उन्हीं को कंसिडर करना, जो ऑलरेडी आ रहे थे या जा रहे थे उसको कंसिडर नहीं करना। एडिशनल एडिशनल मैं बार बार बोल रहा हूँ, एडिशनल चीजों को कंसिडर करना है यहाँ पे, जो ऑलरेडी चीजें हो चुकी हैं, जो बीत गया रात गई सो बात गई, राइट? वो वाली बात है, राइट? सो फिक्स कॉस्ट शुड बी इग्नोर्ड अनलेस देर इज इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ द डिसीजन। मतलब वो डिसीजन लेने से अगर कोई इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट आ रही है तो दैट विल बी कंसिडर्ड, नहीं तो जो ऑलरेडी इंकर करी जा रही है दैट विल बी इरेलेवेंट फॉर। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार वो आपको क्वेश्चन में बोलेगा, कई बार वो क्वेश्चन के अंदर वो आपको बोलेगा कि ये प्रोजेक्ट करने से आपकी आपका जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो कम हो गया। उसने आपको ये नहीं बोला कि आपकी फिक्स कॉस्ट कम हो गई, मतलब ये नया प्रोजेक्ट के कारण उसके अंदर भी कुछ एब्जॉर्प्शन कॉस्ट बढ़ गई होगी, एब्जॉर्ब होके आ गई होगी। उसका जो एब्जॉर्प्शन का रेट है पहले लेट से 10 रुपीज था, क्योंकि लेबर आवर्स भी बढ़ जाएंगे सब में, अब 8 रुपीज हो गया, बट उसे कॉस्ट तो नहीं बदली ना आपकी, तो अगेन दैट इज इरेलीवेंट फॉर अ डिसीजन मेकिंग, क्योंकि वो सिर्फ एब्जॉर्प्शन का रेट चेंज हुआ है, टोटल कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं आया, राइट? तो इट विल बी अगेन इरेलीवेंट फॉर यू। देन नेक्स्ट इज कमिटेड कॉस्ट, जैसे मैंने एग्जांपल दी, दैट इज अनअवॉइडेबल। अब यहाँ पे एक और टर्म आई है, अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल, प्लीज इसको भी समझना ध्यान से। अवॉइडेबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जिसको आप क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते। यस, पूछो। फिक्स कॉस्ट और रेवेन्यू कॉस्ट ना, फिक्स कॉस्ट जर्नली इरेलीवेंट कॉस्ट है, बट अगर फिक्स कॉस्ट इंकर हो रही है उस ऑफर के कारण, अगर मैं उस ऑफर को एक्सेप्ट करूंगा, एडिशनल फिक्स कॉस्ट होनी शुरू हो जाएगी। पहले लेट से मेरी 40,000 डॉलर फिक्स कॉस्ट आ रही थी, अब मेरा वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने से मेरी टोटल 55,000 फिक्स कॉस्ट आएगी। इट मींस मेरी जो एडिशनल फिक्स कॉस्ट आ रही है 50,000 डॉलर की, वो उस प्रोजेक्ट के कारण, तो ये रेलिवेंट है। तो सवाल ये नहीं है कि कॉस्ट वेरिएबल है या फिक्स्ड है, सवाल ये है कॉस्ट रेलिवेंट है या नहीं रेलिवेंट। मतलब क्या मैं इसको, अगर मैं ये ऑफर ना एक्सेप्ट करता ये कॉस्ट भी ना आती। तो यहाँ पे बात क्या आई, अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल, राइट? अगर तो वो फिक्स कॉस्ट अवॉइडेबल है तो वो क्या है, रेलिवेंट है। अगर वो फिक्स कॉस्ट अनअवॉइडेबल है, मैं अवॉइड ही नहीं कर सकता, तो दैट इज इरेलिवेंट, हो चुकी है वो सब। या वो तो संक है, उसका तो कोई रेलिवेंस ही नहीं है। तो आई हैव टू सी इन द क्वेश्चन कि क्या मैं उसको अवॉइड कर सकता था। अगर तो वो अवॉइड हो पाए तो अपने अपने दिमाग में सोचना, क्या मैं इसको अवॉइड कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ, तो इट इज रेलिवेंट। अगर मैं उसको अवॉइड नहीं कर सकता, इफ इट इज अनअवॉइडेबल, तो इट इज इरेलिवेंट। यस, यहां तक किसी ने कुछ पूछना है? यस, भूमि, खिलाक्षी, विदुषी, यस, राइट, ओके। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट, दैट इज कमिटेड कॉस्ट। सो कमिटेड कॉस्ट दैट इज कॉस्ट दैट आर अनअवॉइडेबल इन द फ्यूचर आर नॉट इफेक्टेड बाय डिसीजन एंड शुड देयरफॉर बी इग्नोर्ड। वेरी गुड विदुषी। तो अब कमिटेड कॉस्ट क्या है, जो क्या है, अनअवॉइडेबल है, हम उस ऑफर को एक्सेप्ट करें या ना करें, ये कॉस्ट तो होने ही वाली है, तो इट इज कमिटेड। मैं पहले ही कमिट कर चुका हूं कि मैं कॉस्ट इनकर करूंगा, तो इट इज अगेन योर
अनअवॉइडेबल कॉस्ट एंड इट इज इरेलेवेंट फॉर यू राइट। द नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शुड बी। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को तो हम इंक्लूड करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब आप अगर नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स करते तो वहां से आपको इतना कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। अब आपने वो छोड़ा, वो छोड़ के आपने ये काम किया तो वो भी कॉस्ट आपके लिए क्या है? रेलिवेंट कॉस्ट है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ आई? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कि आप अगर इसको, आप इसको अब लेट्स से इधर इधर बात समझना, इधर बात समझना। लेट्स से एक प्रॉपर्टी है, आपने आपके पास एक गोडाउन है, राइट? आपके पास एक गोडाउन है, ध्यान से समझना। आपके पास एक गोडाउन है, आपने उसको रेंट पे दिया हुआ था या रेंट पे दे सकते थे, राइट? या रेंट पे दे सकते थे या दिया हुआ था। अब आपको एक ऑफर है, आपको एक ऑफर आया कि आप हमारे लिए 10,000 यूनिट्स बनाकर दे दो। अब उस 10,000 यूनिट्स बनाने के लिए आपको ये जगह चाहिए थी, राइट? अब वो 10,000 यूनिट्स बनाने के लिए आप इस जगह को यूज करने लगे हो। अब जो तो इससे इसको 10,000 यूनिट्स बनाने से आपकी जो एडिशनल कॉस्ट और रेवेन्यू आएगी आएगी वो तो रेलिवेंट है ही है। प्लस ये जो गोडाउन का रेंट आपके हाथों से चला गया, मतलब आप अगर ये यूनिट्स ना बनाते तो आपको रेंट भी आता, ये आपके हाथों से चला गया तो ये क्या है? आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो इट विच शेल ऑल्सो बी योर रेलिवेंट कॉस्ट, राइट? क्योंकि ये आपको छोड़ना पड़ा वो काम करने के लिए, राइट? अच्छा अब यहाँ पे भी हम कैश फ्लोस की बात कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अगेन अबाउट कैश फ्लोस। हाँ, एक्चुअली कैश फ्लो नहीं हुआ, बट हो सकता था। अगर मैं इसको रेंट पे देता, फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को 1 लाख रुपए की जरूरत है, मैं उसको 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 क्या कहते हैं, अपना इंटरेस्ट कॉस्ट पे दे सकता था, बैंक को ब्याज पे दे, बैंक को दे के ब्याज पे ले सकता था, राइट? अब मैं ये मान के चलूंगा, ये मैं कर लेता, राइट? अभी ये मतलब कि दिस इज एन अजम्पशन कि मैंने एक्चुअली इसको रेंट पे दे सकता था और मैंने दिया नहीं। हम ये कभी भी नहीं मानेंगे कि हम दे ही नहीं सकते थे। वो अगर क्वेश्चन में लिखेगा कि वो यूजलेस है, ऐसे ही पड़ा था, फिर हम उसको उसको मान लेंगे कि हाँ वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, राइट? नहीं तो अनटिल एंड अनलेस वो हमें क्वेश्चन के अंदर ना बोले तो हम कंसीडर करके चलेंगे कि हमें उस जगह से रेंट आ रहा था या आ सकता था। अच्छा, अपॉर्चुनिटी का डेप्रिसिएशन की मतलब डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंस, तो डेप्रिसिएशन तो नहीं आएगा। इरेलेवेंट कॉस्ट है। डेप्रिसिएशन इज इरेलेवेंट कॉस्ट, क्योंकि क्योंकि वहां पे कोई कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो तो नहीं है ना। हमने बेसिकली क्या देखना है, कोई कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो है या नहीं, बेसिकली हमें ये देखना है। अब आप कहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो? अब डेप्रिसिएशन और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कंफ्यूज हो रहे हो। अब डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन तो क्या है? इट इज नॉन कैश एक्सपेंस, राइट? वो तो कंसिडर होगा ही नहीं होगा। दूसरी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि आप ये ना करके वो काम करते हैं तो आपको वहां से कितना पैसा आता, कैश फ्लो आता। बेसिकली मैं किसकी बात करूं? कैश फ्लो की, राइट? तो आपने सिर्फ क्या कंसिडर करना है? कैश फ्लो कंसिडर करना है। सो लुक एट द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स। नाउ नेक्स्ट इज कैश फ्लो। ओनली कैश आइटम्स आर रेलिवेंट टू द डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन इज नॉट रेलिवेंट सिंस इट इज नॉट अ कैश फ्लो, राइट? डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है? इट इज इरेलीवेंट क्योंकि वो कैश फ्लो ही नहीं है। और हमें चेक क्या करना है? हमें कैश फ्लो चेक करना है। अच्छा, मैं बार 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 बोल रहा हूँ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा, जाएगा ही जाएगा, 100% श्योर, राइट? ओके, नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर वन। हमें टेस्ट अंडरस्टैंडिंग वन गिवन है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट आर रेलिवेंट टू द डिसीजन स्पेसिफाइड। प्लीज, इसके रेलिवेंट कॉस्ट के क्वेश्चन, अच्छा, रेलिवेंट कॉस्ट समझना बहुत इजी है, कंसेप्ट बहुत सिंपल है, बट इसके क्वेश्चंस बहुत घुमाकर आते हैं, एंड आपको आपको बहुत सोच के क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। प्लीज धीरे धीरे और मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है देखते हैं। द सैलरी टू बी पेड टू द मार्केट रिसर्चर हु विल ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। नया प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के लिए हम उसको सैलरी देंगे, किसको? मार्केट रिसर्चर को। दिस इज न्यू पोस्ट टू बी क्रिएटेड स्पेशली फॉर द न्यू प्रोडक्ट। मतलब वो रिसर्चर ऑलरेडी हमारे पास है नहीं है, हमें नया रिसर्चर अपॉइंट करना है, यानी कि एडिशनल कॉस्ट आने वाली है। बट वो कह रहा है कि द सैलरी ऑफ $12,000 विल बी फिक्स्ड कॉस्ट। इज द कॉस्ट रेलिवेंट टू द डिसीजन?
12 को रेंट डिसीजन ले आने का कि 12 प्रोड्यूस करना है। हाँ इज भूमि सिंह, भूमि सिंह यस, भूमि सिंह क्या आप क्या कह रहे हो? नहीं दोबारा पढ़ो एक बारी। वो कह रहा है सैलरी टू बी, यस सभी कह रहे हैं यस, दोबारा पढ़ो। सैलरी टू बी पेड टू द मार्केट रिसर्चर हु विल ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। वो नए प्रोडक्ट की डेवलपमेंट देखेगा। दिस इज द न्यू पोस्ट बी क्रिएटेड फॉर द न्यू प्रोडक्ट। हमने डिसाइड कर लिया कि हमने नया प्रोडक्ट बनाना है, राइट? बट द $12,000 सैलरी विल बी फिक्स कॉस्ट। बट वो आपको बोल रहा है कि सैलरी क्या है, फिक्स कॉस्ट है। क्या ये आपके लिए रेलिवेंट है? नहीं, यस रेलिवेंट है। इट डजेंट मैटर कि जो जो हमारी सैलरी क्या है वो फिक्स्ड है, क्योंकि ये एडिशनल कॉस्ट है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, सो इट शैल बी कंसिडर्ड। वेरी गुड भूमि, वेरी गुड खिलाफ, वेरी गुड विदुषी। एंड नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या आगे बनाए? अच्छा प्लीज प्लीज, यहाँ पे ये फिक्स कॉस्ट है, आंख बंद करके ये मत कह देना कि फिक्स कॉस्ट है तो रेलिवेंट हो गए। फिक्स कॉस्ट से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। हमें देखना है क्या वो अवॉइडेबल है। अब यहाँ पे मेरे आंसर का जवाब देना, क्या ये अवॉइडेबल है? यस, अगर मैं नया प्रोडक्ट ना बनाऊं तो ये कॉस्ट भी नहीं आएगी, राइट? ओके, नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट। द $2,500 एडिशनल मंथली रनिंग कॉस्ट ऑफ अ न्यू मशीन टू बी परचेज टू मैन्युफैक्चर एन एस्टेब्लिश प्रोडक्ट। नई मशीन खरीदी है, उसके लिए $2,500 क्या आएगा? एडिशनल रनिंग कॉस्ट आएगी। द न्यू मशीन विल रिड्यूस लेबर कॉस्ट बाय $3,000 पर मंथ। सिंस द न्यू मशीन विल सेव ऑन लेबर टाइम, द फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड बाय द प्रोडक्ट विल ऑल्सो रिड्यूस बाय $100 पर मंथ एज द ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन लेबर आवर्स बेसिस। ध्यान से समझ लो, सिर्फ क्या हुआ है, एब्जॉर्प्शन रेट कम हुआ है। कितने से? $100 से। आर दिस कॉस्ट रेलिवेंट टू द डिसीजन टू परचेज द न्यू मशीन? बताइए इनमें से कौन सी कॉस्ट रेलिवेंट है, कौन सी कॉस्ट इररेलिवेंट है? भूमि इज सेइंग 5,500 इज रेलिवेंट। यस विदुषी, योर आंसर इज राइट। 5,500 कैसे? 2,500 तो कॉस्ट आ रही है एंड 3,000 सेविंग्स हो रही है। 3,000 तो नेट आपको $500 की सेविंग्स हो रही है। तो ये 2,500 भी रेलिवेंट है, ये 3,000 भी रेलिवेंट है, ये 100 आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। नो, 2,500 प्लस 3,000 नहीं, 3,000 हमें सेविंग्स हो रही है तो इट इज रेवेन्यू, और 2,500 एडिशनल कॉस्ट है तो नेट 500 का गेन है, एडिशनल कंट्रीब्यूशन आ रहा है। आर यू क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस यस खिलाक्षी, समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? राइट एक बारी आंसर चेक करते हैं, इन्होंने क्या दिया है। पेज नंबर बताना एक बारी पीछे। हाँ दोस्तों जी, मिल गया। तो ये देखो, द सैलरी इज अ रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ $12,000। डू नॉट बी फूल्ड बाय, देखो उन्होंने आपको क्या बोला है, डू नॉट बी फूल्ड बाय द मेंशन ऑफ द फैक्ट दैट इट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। इट इज अ कॉस्ट दैट इज रेलिवेंट टू द डिसीजन टू प्रोसीड विद फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल फिक्स्ड कॉस्ट और डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल फिक्स्ड कॉस्ट मे बी ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोडक्ट स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट। मतलब वो प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिक थे। सो द $2,500 एडिशनल रनिंग कॉस्ट आर रेलिवेंट टू द डिसीजन टू द परचेज ऑफ न्यू मशीन। $3,000 पर मंथ सेविंग इन लेबर कॉस्ट इज ऑल्सो रेलिवेंट एज इट रिजल्ट फ्रॉम द डिसीजन टू बाय अ न्यू मशीन। द सेविंग इन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन इज नॉट रेलिवेंट सिंस वी आर नॉट टोल्ड दैट द ओवरहेड एक्सपेंडिचर विल बी ऑल्टर्ड। कहता है वो टोटल ओवरहेड एक्सपेंडिचर ऑल्टर नहीं होगा, देयरफॉर वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि वो उसमें सिर्फ क्या चेंज हुआ है, उसमें सिर्फ एब्जॉर्प्शन रेट चेंज हुआ है, टोटल आपकी जो अब्सॉर्प्शन हो रही है वो तो सेम ही है। अब देखो एक एक बार समझना। लेट्स से आपके आपके पहले आपके पहले 3 लाख कॉस्ट आ रही थी, 3 लाख कॉस्ट आ रही थी, राइट? और ये 25,000 लेबर आवर से डिवाइड हो रही थी, राइट? अब्सॉर्प्शन रेट निकालो कितना था, 3 लाख डिवाइडेड बाय
25,000, सो विच इज 12 डॉलर्स पर लेबर आवर। अब देखो, अब आपकी कॉस्ट तो 3 लाख ही आ रही है, बट आपकी लेबर लेबर आवर्स में चेंज आ गया, एंड उससे आपका एब्जॉर्प्शन रेट चेंज हो जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन रेट के चेंज होने से आपकी टोटल कॉस्ट में कहीं पे भी चेंज नहीं आया। अगर वो आपको क्वेश्चन के अंदर बोल देता कि आपकी टोटल कॉस्ट भी चेंज हो रही है, तो आपके आपके लिए रेलिवेंट था, नहीं तो आपके लिए रेलिवेंट नहीं। राइट, समझ आया सबको ये बात? यस नो? राइट, ओके। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, ऑफिस क्लीनिंग एक्सपेंसेस। ध्यान से पढ़ना प्लीज, इसके क्वेश्चंस बहुत टेक्निकल है, घूम के बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चंस को। तो ऑफिस क्लीनिंग एक्सपेंसेस ऑफ $125 फॉर नेक्स्ट मंथ। अगले महीने के जो ऑफिस क्लीनिंग एक्सपेंसेस आने वाले हैं वो $125 आने वाले हैं। द ऑफिस इज क्लीन्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स, हमने कॉन्ट्रैक्ट पे दिया हुआ है कि आप हमारा ऑफिस क्लीन कर दिया करो। एंड द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैंसल्ड बाय गिविंग 1 month's नोटिस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेरे को बताना, क्या अगले महीने के लिए कॉस्ट रेलिवेंट है? नहीं रेलिवेंट बच्चों, नहीं रेलिवेंट, क्योंकि मेरे को 1 महीने का कम से कम क्या देना पड़ता है? नोटिस पीरियड देना पड़ता है। यस, अभी से देना पड़ेगा। राइट, तो अगले मंथ में, अगले मंथ तो वो मेरी कॉस्ट आएगी आएगी, सेकेंड मंथ से नहीं आएगी। तो हाँ, तो ये फर्स्ट मंथ के लिए तो मेरी कॉस्ट क्या है? रेलिवेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ के लिए क्या हो जाएगी? मेरी रेलिवेंट हो जाएगी। सबको ये बात समझ लगी? यस नो? यस भूमि, वेरी गुड। इट इज नॉट रेलिवेंट फॉर फर्स्ट मंथ, बट सेकेंड मंथ से क्या होनी शुरू हो जाएगी? ये रेलिवेंट होनी शुरू हो जाएगी। एक बार आंसर में पढ़ते, उन्होंने क्या लिखा है? दिस इज नॉट रेलिवेंट फॉर द नेक्स्ट मंथ सिंस इट विल बी इनकर्ड इवन इफ द कॉस्ट इज कैंसल्ड टुडे। इफ अ डिसीजन इज बीइंग मेड टू क्लोज द ऑफिस, दिस कॉस्ट कैनॉट बी इंक्लूडेड एज अ सेविंग टू बी मेड नेक्स्ट मंथ। राइट, चाहे हम इस महीने ऑफिस बंद भी कर दे, हमें 1 month का कम से कम नोटिस पीरियड देना पड़ता है। तो अगले महीने की तो कॉस्ट तो हमें देनी ही पड़ेगी, उससे अगले महीने नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि हमें 1 month का नोटिस पीरियड देना पड़ता है। यानी कि अगर लेट से मैंने मान लिया मेरे मंथ का एंड है, मैंने मान लिया मंथ का एंड है, अब अगले महीने का तो रेंट तो मुझे देना ही पड़ेगा, 1 महीने का प्रायर नोटिस तो मुझे देना ही पड़ता है। चाहे मैं ऑफिस बंद भी कर दूं, मैं वहां पे रहूं भी ना, मैं बोल दूं मुझे नहीं चाहिए, तो बट मेरा एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है कि आपको अगर ऑफिस छोड़ना है तो कम से कम, जैसे इवन आपकी जॉब्स में भी ऐसा होता है कि कम से कम 1 महीने का क्या दे दो, में प्रायर नोटिस दे दो। सेम इज द केस, राइट? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक्सपेंसेस ऑफ $75 पेड टू द मार्केट मैनेजर्स। यस, फॉर द फर्स्ट मंथ। इट इज नॉट अ संक कॉस्ट। संक कॉस्ट तो नहीं है, इररिलेवेंट कॉस्ट है। संक कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो ऑलरेडी हो चुकी है, बीत चुकी है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, दोनों कॉस्ट में डिफरेंस समझना, संक और इरेलीवेंट में फर्क समझना। संक ऐसी कॉस्ट है जो ऑलरेडी इनकर हो चुकी है, संक मींस डूब गई है, पास्ट कॉस्ट है वो। इरेलीवेंट कॉस्ट क्या है कि कॉस्ट तो अभी होनी है, अभी इनकर होनी है, बट हमारे डिसीजन के लिए वो रेलिवेंट नहीं है। अब हाँ, अवॉइड। अब इरेलीवेंट कॉस्ट इज जो अनअवॉइडेबल है बेसिकली, राइट? तो इररिलेवेंट कॉस्ट इज जिसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता। अब $125 तो मुझे अगले महीने देने ही पड़ेंगे, राइट? यस। एक्सपेंसेस ऑफ $75 पेड टू द मार्केटिंग मैनेजर। दिस वाज टू रीइंबर्स द मैनेजर फॉर द कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग टू मीट अ क्लाइंट विद हुम द कंपनी इज करंटली नेगोशिएटिंग अ मेजर कॉन्ट्रैक्ट। अभी नेगोशिएट कर रहे हैं, अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है। इज दिस कॉस्ट रिलेवेंट टू द डिसीजन टू कंटिन्यू नेगोशिएशन? नो, सम कॉस्ट नॉट रेलिवेंट। वेरी गुड मूवी। सो इट इज अ सम कॉस्ट, दिस इज नॉट रेलिवेंट। कॉस्ट टू कंटिन्यू विद द कॉन्ट्रैक्ट, द $75 इज अ संक एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड इवन इफ कंपनी डज नॉट प्रोसीड विद द नेगोशिएशंस। चाहे कंपनी नेगोशिएशंस ना भी करे, फिर भी ये कॉस्ट तो इनकर करनी ही हो चुकी है, तो इट इज अ सम कॉस्ट। प्लीज प्लीज, एक बार जाने से पहले, अब आज के लिए बस इतना ही करेंगे, एक बार जाने से पहले प्लीज समझ लेना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है रेलिवेंट कॉस्टिंग, राइट? रेलिवेंट कॉस्टिंग के अंदर बच्चों प्लीज ध्यान से देखना, रेलिवेंट कॉस्टिंग के अंदर कुछ हमारे पास कॉस्ट होती है, सम कॉस्ट। सम कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो पास्ट कॉस्ट है, जो ऑलरेडी इनकर हो चुकी है। ये तो हमेशा हमेशा हमारे लिए इरेलीवेंट है, दिस इज इरेलीवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। ये कभी काम हमारे नहीं आए
आएंगी, ये कभी भी हमारे काम नहीं आएंगी। तो सम कॉस्ट जहां पे भी आपको दिखे, इसको आंख बंद करके बोल देना कि आपके डिसीजन मेकिंग के लिए काम नहीं आएगी। राइट, सेकंड सेकंड आपकी है, सेकंड आपके पास कॉस्ट है रेलिवेंट एंड इरेलीवेंट कॉस्ट। अब रेलिवेंट कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो आपको उस पर्टिकुलर डिसीजन लेने के लिए, रेलिवेंट कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है उस पर्टिकुलर डिसीजन लेने से अगर वो आएगी, वो डिसीजन लेने से अगर आएगी, या डिसीजन ना लेने से नहीं आएगी। डिसीजन ना लेने से नहीं आएगी तो वो क्या है, वो रेलिवेंट कॉस्ट है। अब आप डिसीजन लो चाहे डिसीजन ना लो, लो चाहे ना लो, ये कॉस्ट आएगी ही आएगी, तो ये क्या है, इरेलिवेंट कॉस्ट है। यानी कि आपको डिसीजन लेने से, आपको देखना है कि क्या डिसीजन से उस पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। डिसीजन लेने से अगर वो कॉस्ट आती है और डिसीजन ना लेने से नहीं आती तो वो क्या है, रेलिवेंट है। डिसीजन लो चाहे ना लो, वो कॉस्ट आनी ही आनी है तो वो क्या है, इरेलिवेंट है। मतलब बेसिकली आपको ये सोचना है कि क्या आपके डिसीजन से उस कॉस्ट के ऊपर कोई इम्पैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डिसीजन लेने से आपकी कॉस्ट पे इम्पैक्ट आ रहा है नहीं आ रहा वो सोचना है आपको। आपकी कॉस्ट पे इम्पैक्ट आ रहा है ये नहीं आ रहा वो सोचना है आपको। एंड नेक्स्ट इज अब आपको नेक्स्ट कॉस्ट जो मैंने आपको बोली, दैट इज अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल। राइट, अब अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल क्या है, अब आपको देखना है कि क्या क्या ये, इसको अगर मैं प्रोजेक्ट कंटिन्यू करूंगा, क्या ये कॉस्ट मेरे प्रोजेक्ट को ना कंटिन्यू करने से अवॉइड हो सकती है। अगर अगर मैं प्रोजेक्ट नहीं टेकअप करता, क्या ये अवॉइड हो सकती है। अगर तो अवॉइड हो सकती है तो वो क्या बन जाएगी, रेलिवेंट। अवॉइड नहीं हो सकती तो वो क्या बन जाएगी, इरेलीवेंट। मतलब वो आनी ही आनी है। राइट, प्रोडक्ट यस, अगर वो डिसीजन से ही नहीं रिलेटेड तो भी इरेलीवेंट है। मेरे को देखना ये है कि क्या क्या ये मेरे लिए, मेरे उस प्रोडक्ट से, उस डिसीजन से लेना देना है या नहीं। राइट, फोर्थ एंड लास्ट इज फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट हमेशा इरेलीवेंट नहीं होगी। अगर तो फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी इंकर्ड है, मतलब ऑलरेडी पहले से चल रही है, तो इट विल बी इरेलीवेंट। अगर उस एडिशनल प्रोडक्ट बनाने से मेरी कोई एडिशनल फिक्स कॉस्ट आ रही है, चाहे वो कॉस्ट फिक्स है, फिर भी वो क्या है, रेलिवेंट है। इंक्रीमेंटल यस, एक है हमारे पास फिक्स कॉस्ट, एक है हमारे पास इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट। राइट, चाहे वो फिक्स है फिर भी वो हमारे लिए क्या है, रेलेवेंट है। एंड नेक्स्ट इज हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। राइट, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हमारे लिए हमेशा क्या होगी, रेलेवेंट कॉस्ट होगी। दिस विल बी ऑलवेज रेलेवेंट कॉस्ट, हमेशा हमेशा रेलेवेंट होगी। और ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि अगर मैं ये वाला काम कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं अगर दूसरा बी काम करता तो वहां से मेरे को कितना लॉस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ, दैट इज माई अपॉर्चुनिटी। सो दिस विल ऑलवेज बी रेलिवेंट फॉर अस। कल कल हम देखेंगे कि अब डिटेल में कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। उसके बाद हम एक एक करके, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम देखेंगे एक एक हमारे पास तीन चीजें हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स एंड फिक्स कॉस्ट। इन चारों के लिए कौन सी कॉस्ट रेलिवेंट है, कौन सी कॉस्ट क्या है, इरेलिवेंट है। अब मटेरियल के अंदर अब बताना फटाफट, अगर मटेरियल आपका शॉर्ट सप्लाई में, अब आपके लिए रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी, मटेरियल शॉर्ट सप्लाई में, मतलब मटेरियल आपको अवेलेबल नहीं है। अगर आपको नया प्रोजेक्ट बनाना है तो पुराने मटेरियल से आपको निकाल के उसमें लगाना पड़ेगा, तो आपके लिए कौन सी कॉस्ट जो है रेलिवेंट कॉस्ट बन जाएगी, जितने में आपको नया मटेरियल खरीदना पड़ेगा, तो वो कॉस्ट आपके लिए क्या हो जाएगी, रेलिवेंट कॉस्ट। राइट, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक और चीज, एक पड़ा है और प्रोडक्ट से और प्रोडक्ट भी है उसको हाँ यूज कर लेते हैं मैं और अभी उसी बात कर रहा हूँ, ये बात सुनो। ये देखो मटेरियल, मटेरियल अगर मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा है, अब मटेरियल मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा है, बात करो एक्स्ट्रा पड़ा है। राइट, अब लेट्स से मेरे पास 10,000 10,000 kgs मटेरियल चाहिए और ये मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा है और इसको मैंने 2 रुपीज पे खरीदा था और मार्केट में 5 रुपीज का मिल रहा है या $5 का मिल रहा है, तो मेरे लिए रेलिवेंट कॉस्ट यहाँ पे 2 है क्योंकि एक्स्ट्रा पड़ा है। ये जो अब यहाँ पे ये पड़ा है, ये एक्स्ट्रा पड़ा है। यही अगर एक्स्ट्रा ना पड़ा होता मेरे को बाजार से खरीदना पड़ता, तो अब मेरी रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी, कल बहुत डिटेल में बात करेंगे। यस, पूछो। हाँ अगर नेक्स्ट मंथ के मैन्युफैक्चर करने के लिए रखा हुआ है तो फिर तो फिर अगर रखा हुआ है तो फिर भी हमें चाहिए तो है ना, इट इज इन शॉर्ट सप्लाई। चाहिए तो 5 पर फिर अगर नए, अगर देखो बेसिकली ये बात है कि अगर वो मटेरियल मेरा कहीं यूज हो सकता है ऑलरेडी और मैंने यूज करने के लिए रखा हुआ है, तो फिर तो मेरे लिए, मेरे को जो जितने में मार्केट से मिलेगा वही मेरे लिए रहेगा।
फिर तो मेरे लिए वही रेलिवेंट कॉस्ट है। अगर वो वेस्ट पड़ा, किसी काम नहीं आ रहा, मैंने उसको फिर यूज कर लिया फिर जितने में मैंने इसको खरीदा था। कल हम इसको बहुत डिटेल में बात करेंगे, राइट। चलिए दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। व्हाइट पेज, हाँ व्हाइट पेज व्हाइट पिच। अपॉर्चुनिटी। भूमि, मेरे को अपने डाउट्स जो है वो प्लीज व्हाट्सएप कर देना, कल मैं क्लास में ले लूंगा। बुक हाँ अच्छा अच्छा पेन अच्छा अच्छा आपने नोट कर लिया, कंजूमन, हाँ जी। ओके।